यस द माउंटेन्स. माउंटेन्स का अगर डेफिनेशन दे तो क्या है, एनी नेचुरल एलिवेशन ऑन अर्थ सरफेस विद अ समिट स्मॉल इन प्रोपोर्शन टू इट्स बेस राइजिंग मोर और लेस एब्रप्टली फ्रॉम द सराउंडिंग लेवल. अब देखो माउंटेन्स के लिए मैं अगेन बोल रहा हूँ कि डेफिनेशन जब भी हम लोग बात करते हैं ना, दो चार कीवर्ड्स को ऑलवेज यू शुड रिमेम्बर, अदरवाइज दैट डेफिनेशन इज नॉट वेरी मच करेक्ट इन दैट केस. अच्छा तो देखो मैंने क्या बताया, एक तो नेचुरल होना चाहिए, दैट एलिवेशन शुड बी नेचुरल, दैट इज वन कीवर्ड. देन ऑन अर्थ अर्थ सरफेस विद अ समिट स्मॉल कंपेरिजन टू द इट्स बेस. इसका चोटी जिसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल, जो समिट बोलते हैं, दैट शुड बी स्मॉलर एज कंपेयर टू इट्स बेस, राइजिंग मोर और लेस एब्रप्टली, है ना. हम लोग ऐसे जेंटली ऐसे राइज हो रहा है उसको माउंटेन्स नहीं बोलते, नॉर्मली अब्रप्टली ये राइज होता है, मतलब ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वो काफी ज्यादा होता है फ्रॉम द सराउंडिंग लेवल. सो व्हाट वी आर यूजिंग, दीज थ्री थिंग्स आर द कीवर्ड्स, है ना. नेचुरल एलिवेशन, इट्स समिट शुड बी स्मॉलर एज कंपेयर टू इट्स बेस, एंड थर्ड इट शुड राइज एब्रप्टली. ठीक है ना, ये तीन चीजें हम लोग को समझना है. माउंटेन्स के साथ साथ कई बार हिल्स यूज करते हैं हम लोग, कई बार चेन्स यूज करते हैं, तो हम लोग इसके बीच के डिफरेंसेस हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. माउंटेन, हिल, चेन. तो देखो हिल्स जब वर्ड यूज करते हैं तो इसका एक डेफिनेशन बना हुआ है कि 600 मीटर से जिसका हाइट कम है, नॉर्मली वी कंसिडर इट अंडर हिल्स. वाई आई एम सेइंग नॉर्मली, बिकॉज सम अथॉरिटीज रिगार्ड दिस, मतलब क्या है, इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, बट वॉट वी आर टेकिंग कि 600 मीटर के आसपास जो है वो हिल है, और मोर देन 600 मीटर है या 2000 फिट है उसको हम लोग माउंटेन्स में ला रहे हैं. अदरवाइज दोनों का ही जो समिट होता है दैट इज स्मॉलर एज कंपेयर टू इट्स बेस. ठीक है ना. हिल्स का डेफिनेशन में देखो कि एनी नेचुरल लैंड फॉर्म एक्सटेंड्स अबव द सराउंडिंग टेरेन, दैट इज द सेम. यहाँ पे एक वर्ड लिखा है लार्ज नेचुरल लैंडफॉर्म, मीन्स द माउंटेन शुड बी लार्जर एज कम्पेयर टू हिल्स, इजंट इट. माउंटेन को देखने के लगता है कि बहुत बड़ा होना चाहिए, कि अब एक बस हिल है उसको हम लोग माउंटेन नहीं बोल रहे हैं, है ना. तो ये भी सेम है, बाकी डेफिनेशन सेम है. इसका हाइट जो लिखा है 984 से 1968, मतलब रफली 2000 फीट, जो मैं बोल रहा हूँ 2000 फीट से ज्यादा होता है तो उसको माउंटेन्स में कैटेगरी में डाल रहे हैं, 2000 फीट से नीचे होता है तो वी आर कॉलिंग इट अंडर हिल. जो इसका स्टीपनेस है, स्टीपनेस मतलब क्या, बेस से ऐड कर लेना ना आयन जो भी आया है. जो स्टीपनेस है इसका, जो सॉरी हिल्स का जो स्टीप होता है वो लेस स्टीप होता है, मतलब ये जेंटल होता है ना. और जो माउंटेन्स होते हैं ये ज्यादा स्टीप होते हैं. ठीक है ना, सो दैट्स द थिंग, एडमिट कर देना जो भी आ रहे हैं. तो दिस वन इज स्टीपर एंड दिस इज लेस स्टीप. यहाँ पे हिल्स को क्लाइंब करना इट इज इजियर, तभी हम लोग बोलते हैं कि हिल्स क्लाइंब करने जा रहे हैं. बट माउंटेनियरिंग जो बोलते हैं हम लोग, दैट नीड्स स्पेशल एक्सरसाइज, स्पेशल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, स्पेशल काइंड ऑफ स्किल्स एंड अदर थिंग्स, इक्विपमेंट्स, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड. तो क्लाइंबिंग अ माउंटेन इज हार्डर एंड मोर चैलेंजिंग बिकॉज क्लाइमेट ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग. नॉट ओनली क्लाइमेट, वेजिटेशन ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग. सो दैट्स वाई माउंटेन इज नॉट वेरी मच इजियर टू क्लाइंब. ठीक है ना, दैट नीड्स प्रोफेशनल एक्सरसाइजेस, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर क्लाइंबिंग अप द माउंटेन. बट हिल्स के साथ ऐसा नहीं है. ठीक है ना, सो दैट इज द मेजर डिफरेंस विच आई हैड सजेस्टेड बिटवीन द हिल्स एंड द माउंटेन. ठीक है ना, यू शुड बी नोइंग कि ये हिल्स और माउंटेन्स में क्या डिफरेंस है. वैसे यूपीएससी विल नेवर आस्क यू, बट इट इज इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स विच आर देयर इन योर सराउंडिंग्स. हिल्स माउंटेन्स के बारे में बताया. रेंजेस कई बार यूज होता है, जब सीरीज ऑफ माउंटेन्स होता है तो उसको रेंजेस बोल रहे हैं, है ना. यू कैन सी सीरीज ऑफ द माउंटेन्स, इफ इट इज देयर देन वी कैन कॉल इट हिल्स.
वी कैन कॉल इट रेंजेस, माउंटेन रेंजेस, जैसे हिमालयन रेंजेस यूज करते हैं ना, रेंजेस मतलब जैसे चेन ऑफ माउंटेन है, चेन ऑफ माउंटेन है, चेन ऑफ माउंटेन है, इन दिस वे, इन दिस मैनर देर आर मल्टीपल सीरीज ऑफ द माउंटेन्स ना, लाइक हिमालय में ग्रेटर है, लेसर है, शिवालिक है. सो इन दिस मैनर जहाँ पे भी ज्यादा लेवल का बोलना चाहिए कि प्रेशर पड़ा है, वहां पे मल्टीपल चेन ऑफ माउंटेन हैज बीन फॉर्म. ठीक है ना, तो हिल माउंटेन एंड चेन्स या रेंजेस में क्या डिफरेंस है मैंने बता दिया. तो माउंटेन्स के बारे में थोड़ा सा और कुछ जानते हैं कि इट ऑक्यूपाइज 27% सॉरी है ना, लैंड सरफेस क्या है, इट्स फ्रॉम द माउंटेन दैट अप टू 80% ऑफ द प्लैनेट्स फ्रेश वाटर कम फ्रॉम. माउंटेन से करीब 80% ऑफ द वर्ल्ड प्लैनेट का जो फ्रेश वाटर आता है, सरफेस वाटर आता है, ये इसी से आता है, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट है ना. आप सोचो आपके पास हुगली का वाटर है, वो अल्टीमेटली कहाँ से आ रहा है, माउंटेन से आ रहा है, गंगा यमुना या गोदावरी कृष्णा कावेरी, वेयर एवर वॉट एवर नेम यू नो, दे आर कमिंग फ्रॉम माउंटेन्स. हार्डली यू विल फाइंड एनी रिवर और सरफेस वाटर विच इज नॉट हैविंग द सोर्स विच एग्जिस्ट इन द माउंटेन, इजंट इट. अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर अदर फैक्ट्स ऑल्सो. यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO जिसको बोलते हैं, उसने बोला है कि अराउंड 12% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन द माउंटेन्स, मोस्टली ट्राइब्स. जो माउंटेन्स में जो रहते हैं उसमें करीब पूरे इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के 12% पॉपुलेशन रहता है, तो ये भी एक बड़ी बात है. एंड अराउंड 50% और मोर देन 50% आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द माउंटेन रिसोर्सेस. ठीक है, ये सब फैक्ट्स हैं माउंटेन्स रिलेटेड. आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द माउंटेन्स. तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है, वाटर है ना. इसमें देखोगे कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस अगर देखा जाए तो माउंटेन्स है. तो चलो लेट्स डू वन एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज करते हैं. उसमें हम लोग ये देखते हैं कि डेली के बेसिस पे हम लोग ऐसा क्या चीज, क्या क्या चीजें यूज करते हैं जो कि हम लोग का माउंटेन से आता है. तो आई वुड लाइक टू टेक सर्टेन एग्जाम्पल्स फ्रॉम यूर एंड ओनली कि कहाँ से कौन से चीजें जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं और वो माउंटेन से आते हैं. तो जीत, प्लीज टेल मी एनी नेम या जो भी चीज आप डेली बेसिस पे या आज यूज किए हो और उसका सोर्स माउंटेन था. वाटर अच्छा चलो वाटर, इजिएस्ट वाला आपने ले लिया जिसको ऑलरेडी डिस्कस किए, चलो वाटर ले लिया. देन आई एम सर, लकड़ी चलो, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि जो वुड है जो यूज किए हो, इट इट हैज कम फ्रॉम माउंटेन ओनली. नॉर्मली जो हार्डवुड होते हैं ना वो प्लेन के ही होते हैं, और जो बैट वैट अगर क्रिकेट वगैरह खेल रहे हो सर, वो, विलो वाला हाँ विलो वगैरह जो होता है ना, वो भले आपका वहां से आता है माउंटेन से, पर नॉर्मली जो वुड आप यूज करते हो ना, जो घर में पुराने फर्नीचर्स होते हैं ना, वो हार्डवुड के होते हैं. जो सागौन जिसको बोलते हैं ना, टिक प्लाई, टिक वाला जो होता है, शीशम होता है, ये सब ना प्लेन एरिया के हैं. ठीक है ना, तो अगर यही चीज आप वहां पे रहते ना, अमेरिका में रहते, तो आई वुड हैव एक्सेप्टेड, क्योंकि वहां पे मोस्टली सब लोग प्रोसेस्ड सॉफ्ट फूड यूज करते हैं. तो हमारे यहाँ भी इंडिया में अब हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड फर्नीचर सेल कर देते हैं, जो हार्डवुड होते हैं अच्छे से फर्नीचर, और पार्टिकल वुड वाले ले आते हैं या इंजीनियर्ड वुड वाले ले आते हैं जो कि बहुत सॉफ्ट या बहुत ये रहता है, पार्टिकल से बना रहता है. एनीवेज, मैं स्टिल वुड को मैं बहुत ज्यादा प्रेफरेबल नहीं बोलूंगा आंसर के हिसाब से, अगर डेली बेसिस पे यूज करते हो, क्योंकि ये जो वुड का सोर्स मोस्टली जो इंडिया में यूज होता है, इंडिया का बात बोल रहा हूँ, इंडिया में जो यूज होता है वो मोस्टली प्लेन एरिया का होता है. ठीक है, थर्ड और कुछ बताओ विदर्शिता. से चाय. यस वेरी गुड, टी, चाय, क्योंकि टी तो हिल्स में ही आता है, हिल्स माउंटेन्स जो भी हम लोग बोल रहे हैं ना, टी तो हिल्स से ही आता है. टी प्लेन एरिया में बहुत रेयरली, अगर होगा भी तो प्रोडक्टिविटी उतना नहीं होगा. ठीक है ना, क्या कॉफी भी ले लूं मैं?
कैन आई टेक कॉफी ऑल्सो? हाँ सर, कॉफी और टी में यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट्स द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टी एज कम्पेयर टू कॉफी. टी और कॉफी दोनों हिल के प्रोडक्ट है, बट टी को क्या क्लाइमेटिक डिफरेंस है एज कम्पेयर टू कॉफी? कॉफी को गर्म क्लाइमेट चाहिए, लाइक जो कि मोस्टली साउथर्न साइड में आई थिंक होता है, और आपका टी तो हिली एरियाज लाइक विंटर टाइप का क्लाइमेट, ठंडा ठंडा। ठीक है, मैं इंडियन एग्रीकल्चर में आऊंगा तो मैं बताऊंगा. वैसे क्या है, टी को ब्राइट सनलाइट चाहिए, कॉफी को शेडेड चाहिए, है ना. दैट इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंस है क्लाइमेटिकली. और भी कुछ मैं बता सकता हूँ, टी हमारा असम में या दार्जिलिंग में इस साइड पे हमारे टी ज़्यादा होते हैं. इसका एक और रीज़न है, या तो बोलना चाहिए कि मेजर रीज़न ये है कि टी जो है उसको मॉइस्चर रिलेटिवली ज़्यादा चाहिए, और ये जो कॉफ़ी होता है ना ये शेडेड एरिया में पड़ता है आता है. मतलब जैसे क्या, माउंटेन के ना, माउंटेन का दो फेस होता है. एक तो फेस करेगा ओशियन को, ओशियन का जो विंड है जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा होगा, ये शेड वाले एरिया में रहता है ना. तो मतलब रिलेटिवली टी को ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए, है ना. और भी चीज़ें हैं, मैं बाद में बताऊंगा अभी. तो ये जस्ट एक छोटा सा डिफरेंसेस मैंने बताया एनीवेज, बट ये कंफर्म है कि आइदर टी या कॉफी जो भी आप मॉर्निंग में ले रहे हो या इवनिंग में लिए होगे, दैट हैज इट्स सोर्स एट माउंटेन या हिल्स. और बताओ. डिफरेंट फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, एप्पल्स, पॉमेग्रेनेट, ठीक है. मॉर्निंग में अगर पॉमेग्रेनेट या एप्पल खाया है तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि यह हिमाचल और अदर हिली एरिया से आया, इज इट? यस, ठीक है. सरस्वती, प्लीज टेल मी एनी अदर नेम जो आपने डेली बेसिस पे यूज किया. अबुल, मुझे आवाज नहीं आई कि आपने कुछ नहीं बोला. अबुल कुछ बताओ. एक्चुअली सर आई एम आउटसाइड, दैट्स व्हाई. ओके ओके ओके, ठीक है. सरस्वती, अच्छा चलो मॉर्निंग से हम लोग सोचते हैं, है ना. मॉर्निंग में चलो वाटर हम लोगों ने पिया, है ना. उसका सोर्स तो मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज माउंटेन वाले. फिर मॉर्निंग में उठ के मैंने कॉफी, चलो आलमंड खाया या वॉलनट खाया, क्या आलमंड हैज इट्स सोर्स ऑन हिली एरिया? यस सर, हाँ सर, यस कश्मीर, आलमंड, यस आलमंड और वॉलनट मैंने जो लिया वो भी वहीं से है. फिर मैं लेमन और हनी खाया, हनी का सोर्स हो सकता है माउंटेन? हनी का सोर्स हो सकते हैं, हो सकता है बिल्कुल, इजंट इट? हनी का काफी बड़ा सोर्स हो सकता है माउंटेन, एंड इट इज देयर. ठीक है, मैंने लेमन हनी लिया, फिर चाय पिया, अगेन इट्स फ्रॉम माउंटेन. फिर मैं टीवी में न्यूज देखा, न्यूज भी माउंटेन का आ रहा है. ऐसा नहीं, टीवी चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो आया, देयर माइट बी चांसेस कि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आया, है ना. देयर माइट बी चांसेस, नॉर्मली इंडिया में तो 65% थर्मल से आता है ना. तो देयर माइट बी वन ऑफ द चांस कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज ड्यू टू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और उसके कारण से वो डैम बना होगा कहीं ना कहीं माउंटेन से जो रिवर्स आ रही है, क्योंकि प्लेन वाले रिवर पे जो होती है वहाँ पे
इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट होती, माउंटेन्स वाले पे ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें ज़्यादा पोटेंशियल होता है, एनर्जी होता है. तो इलेक्ट्रिसिटी व्हाट वी आर यूजिंग दैट माइट बी हैविंग इट्स सोर्स इन द माउंटेन्स. ठीक है, तो चलो माउंटेन्स का एक और चीज़ मैंने देख लिया कि इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है. अब इसके बाद ठीक है, और क्या चीज़ हो सकता है जो माउंटेन से आता है? अगर विंटर सीजन है ना, विंटर सीजन है तो स्पेसिफिकली मैं कुछ यूज करता हूँ विंटर सीजन में जो कि बाकी सीजन में यूज नहीं करता मैं. मफलर्स वगैरह यस, मफलर्स, और उसमें भी मैं क्या बोल सकता हूँ कि वुलन जो स्टफ्स होते हैं ना, शॉल्स मैं यूज करता हूँ. तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पश्मीना शॉल काफी फेमस है कश्मीर का है. तो पश्मीना जो गोट होती है ना, वो कहाँ मिलती है? हिली एरिया में है ना. और बहुत टाइप के ऐसे वूल्स होते हैं जो कि जिसके जो शिप होते हैं वो हिली एरिया में मिलते हैं हम लोग को. तो इट माइट हैपन कि जो वूल है दैट हैज इट्स सोर्स इन द माउंटेन्स ऑल्सो. फिर मैं मॉर्निंग में मैंने फिर फ्रूट्स कुछ खाए, और फ्रूट्स में मैंने बताया कि जो पोमेग्रेनेट है और आपका एप्पल है तो वो आपके हिली एरिया में होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि माउंटेन से आती हैं. जैसे क्या है, कुछ मिनरल रिसोर्सेज भी हमारे माउंटेन से आते हैं. वैसे माउंटेन इज नॉट वेरी रिच इन द इन टर्म्स ऑफ द मेटेलिक कंपोनेंट, पर नॉन मेटेलिक कंपोनेंट में बहुत सारा यूज है. जैसे क्या है, सीमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड होता है डोलोमाइट है ना, बोलना चाहिए कि एक और नाम मैं बोल रहा हूँ, लाइमस्टोन्स. डोलोमाइट और लाइमस्टोन सीमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, और ये सेडिमेंट्री माउंटेन से मिलता है ना, सेडिमेंट्री माउंटेन से. सो दैट इज ऑल्सो हैविंग अ सोर्स इन द माउंटेन. उसमें उसका भी सोर्स जो है वो माउंटेन में है. ठीक है ना. तो फिर इलेक्ट्रॉनिक के गैजेट्स में यूज करता हूँ सिलिकॉन वगैरह जो होते हैं. वो सिलिका भी हम लोग को मिल सकता है, बट दो वी आर नॉट एक्सट्रैक्टिंग इट. फिर क्या है कि अगर मैंने गाड़ी चलाया, नेचुरल गैसेस जो होते हैं, तो यू माइट बी नोइंग कि असम में, असम का कभी आपने सुना होगा, असम ऑयल एक अलग से चलता है. या असम में एक डिगबोई करके जगह है जहाँ पे गैसेस, नेचुरल गैसेस एंड पेट्रोलियम के कुछ सोर्सेस हैं, तो वो भी आपको हिली एरियाज में मिल जाते हैं. हिली एरिया रिक्रिएशनल टर्म्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ पे लोग विजिट के लिए जाते हैं जिससे हमारा रेवेन्यू आता है ना. तो रिक्रिएशन के टर्म्स में भी वो भी यूज होता है. अर्लियर वो हिल स्टेशन जो है वो हिल स्टेशन रहा करता था. मतलब क्या है, ये जो दार्जिलिंग है इसको डेवलप ब्रिटिशर्स ने क्यों किया था? क्योंकि ये हिल स्टेशन तो है बट वो हिल स्टेशन भी है. माउंटेन्स में जैसे क्या है, जो वॉर में आते हैं, वॉर से लड़ के आते थे, तो उनको कई जगह की चोट लग जाती थी है ना, कई जगह पे वुंडेड होते थे. तो उनको रेस्ट करवाने के लिए उनको हिली एरिया पे भेज देते थे. क्यों भेज देते थे? हिली एरिया में क्या बेनिफिट होता था हिली एरिया में जाने से? हिली एरिया में जाने से क्या उसका बेनिफिट? हीमोग्लोबिन का मात्रा ज्यादा बढ़ जाते थे, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का का, फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो ज्यादा होता था. अच्छा देखो, ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाता है कि बढ़ जाता है? तो कम हो जाता है. हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है. बढ़ जाता है. हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है. अच्छा, उससे बेनिफिट होता है कुछ? ऑलरेडी वुंडेड है, ब्लड का बहुत ज्यादा फ्लो हो चुका है, तो क्या हीमोग्लोबिन की और रिक्वायरमेंट से बॉडी पे प्रेशर नहीं हो जाएगा? ठीक भी तो हो सकता है. ठीक भी हो सकता है. अच्छा, और क्या बेनिफिट है? चलो वो उस बेनिफिट को मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि वो अपोजिट है. कुछ और सोचो कि क्यों दार्जिलिंग को उन्होंने डेवलप किया, और जो वुंडेड जो उनके मिलिट्री मैन होते थे वो लोग वहां जाके रेस्ट लेते थे और ठीक होके आते थे. कोलकाता में एक इंसिडेंस हुआ था, आपने सुना था कि क्या है कि एक
पर्सन जो है बस में चढ़ा, बस में चढ़ा तो क्या हुआ कि उसका जो बैग है वो ना फंस गया। जब जो बस है बहुत कॉर्नर से जा रही थी, जैसे बस ऐसे कॉर्नर से जा रही थी, तो उसका बैग ना फंस गया, तो उसके बैग के साथ साथ उसका हाथ भी उसमें फंस गया और हाथ उसका कट गया, है ना। जो ये करीब 1 साल पहले का इंसिडेंस है ना, वो पर्सन का हाथ कट गया, तो उसको किसी तरीके से सेव तो कर लिया, पर कुछ दिन बाद वो उसकी डेथ हो गई, है ना। ये क्यों डेथ हो गई होगी इसकी, उस समय तो सेव हो गया, फिर डेथ क्यों हो गई इसकी? इन्फेक्शन के कारण से हो सकता है। यस, यही मैं बताना चाह रहा था, इन्फेक्शन। तो जो इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल हो सकता है, खैर बैक्टीरियल की बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज मोर डोमिनेंट ऑन द कूल एरिया या कोल्ड एरिया में ज्यादा डोमिनेंट होता है कि हॉट और ह्यूमिड एरिया में, कहाँ पे ज्यादा अच्छे से इन्फेक्शन बढ़ता है या इन्फेक्शन होने के चांसेस होता है, कोल्ड सीजन में कि समर सीजन में? समर सीजन समर सीजन में, है ना। तो मतलब ये श्योर है कि अगर कोल्ड क्लाइमेट होगा तो इन्फेक्शन के चांसेस कम है। कोई पर्सन की ना डेथ ना पोस्ट वॉर मोस्टली इन्फेक्शन के कारण से होती है, और उस समय उस लेवल का एंटीबायोटिक अगर नहीं थे कि जिसको जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सके, बट मोस्टली इनके ना जो होता है इन्फेक्शन जो होता है वो इसी के कारण से होता है। इन्फेक्शन जो हिली एरिया में जाने से उसका रेट, और बोलना चाहिए कि जो वुंड का हील होने का जो रेट है वो फास्ट हो जाता है, ठीक है ना। और वही अगर समर सीजन में देखोगे तो वो स्लो रहता है, ठीक है ना। वही चीज आप समझ लो कि खाना जल्दी खराब हो जाता है कोल्ड एरिया में, मतलब लेट से खराब होता है, और समर सीजन में जल्दी खराब हो जाता है ना, बिकॉज ऑफ हीट ओनली। तो खैर, तो जो हिली एरिया है वो एक्चुअली एक प्रकार से ये हील करने का भी काम करते थे, है ना। और मेंटल साइकोलॉजिकल बेनिफिट तो है ही, वो तो एक अलग भी बात है, बट एट द सेम टाइम फिजिकल लेवल पे भी या बायोलॉजिकल लेवल पे भी वो बेनिफिट करता है हिल, ठीक है। यस, तो माउंटेन्स या हिल के बारे में जो बात कर रहे थे, तो उसमें हमको बहुत सारा एडवांटेजेस मिला, ठीक है। तो इस पे आगे आते हैं, तो मतलब व्हाट वी हैव सीन कि माउंटेन्स का बहुत बड़ा एडवांटेज है। इनफैक्ट पता है, आप बताओ, इंडिया जो है, इंडिया क्या 0 डिग्री इक्वेटर के पास है, 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, कि 66 डिग्री एंड हाफ आर्कटिक सर्कल के पास है, कि 90 डिग्री पोलर रीजन के पास है? इंडिया का कहाँ लोकेशन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है। तो क्या वेदर भी टच 0 डिग्री इक्वेटर? क्या हम लोग 0 डिग्री इक्वेटर को टच करते हैं? नो सर। नहीं करते हैं। हम लोग का जो लोएस्ट बाउंड्री जो है नीचे से, वो 8 डिग्री 4 मिनट्स है ना। जैसे 0 डिग्री इक्वेटर है ना, तो हमारा यहाँ से ऐसे कुछ है, ठीक है ना। हम लोग का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 ऐसे है, ठीक है ना। तो अब ये बताओ, जो हमारा इंडिया है, इंडिया में क्या आपको ग्लेशियर्स मिलते हैं? इंडिया में ग्लेशियर्स हैं? यस सर। मिलते हैं, है ना। तो इंडिया में ग्लेशियर्स या हिली जो फ्रूट्स होते हैं, हिली प्रोडक्ट्स होते हैं, इंडिया में क्यों पॉसिबल हो पाए? क्योंकि हिल्स है, मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि देखो, जो चीजें यूरोपियन कंट्रीज के पास है या अमेरिकन कंट्रीज के पास है या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो नॉर्दर्न मोस्ट जो एरियाज पे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो चीजें इंडिया में भी मिलती है क्योंकि हिल्स है। बट जैसे बनाना, मैंगो जो कि ट्रॉपिकल फ्रूट है, वो उनके पास अवेलेबल हो सकता है इन एनी केस? मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज के पास, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या कैंसर से काफी दूर है, 66 डिग्री के आसपास है, उनके पास किसी भी कंडीशन में ट्रॉपिकल फ्रूट्स आने के चांसेस हैं उसके पास? नहीं है, है ना। बट हमारे पास ट्रॉपिकल एरिया होने के बाद भी हम लोगों को हिली एरिया या आर्कटिक रीजन के फ्रूट्स हमारे पास आ सकते हैं,
मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ लो ना, इंडिया का एडवांटेज ये है कि इंडिया में दोनों टाइप का क्लाइमेट अवेलेबल है ना, जबकि जो यूरोपियन कंट्रीज हो गया या नॉर्दर्न मोस्ट कंट्रीज जो हो गए उनके पास ये सारा ऑप्शंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी तरीके से लो टेम्परेचर वाले फ्रूट्स या प्रोडक्ट्स तो ले आया, बट हाई टेम्परेचर कैसे लेके आएगा, है कि नहीं? इसलिए क्या है, इंडिया के जो फ्रूट्स होते हैं वो ज्यादा स्वीट होते हैं, इंडिया के जो फ्रूट्स होते हैं वो ज्यादा स्वीट होते हैं। अब क्यों स्वीट होते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, ये तो आप लोग भी फाइंड आउट कर सकते हो। इंडिया के फ्रूट्स, नॉट ओनली इंडिया, जो भी जो 0 डिग्री के आसपास जो कंट्रीज हैं उसके जो फ्रूट होते हैं ना वो स्वीट वाले होते हैं। यही ग्रेप्स जो है हम लोग के यहाँ इतना स्वीट आता है, यही ग्रेप्स अगर वहां के खाओगे या वहां का स्ट्रॉबेरी खाओगे या कोई भी फ्रूट खा लो मजा ही नहीं आएगा। बस वो सुनने में अच्छा लगता है कि कीवी खा रहे हैं, कि स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं और ड्रैगन फ्रूट खा रहे हैं, और ये जो भी आप खा के देखोगे किसी में भी स्वीटनेस नहीं रहेगा। और इन रियलिटी जो हम लोग खाते हैं, जो हम लोग के इंडिया में मिलता है, जैसे बनाना हो गया, मैंगो हो गया, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। लीची वीची जो भी हम लोग खाते हैं इसका कोई तोड़ ही नहीं है इन रियलिटी, जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव दैट फैसिलिटी दैट दे कैन ग्रो दीज ट्रॉपिकल फ्रूट एट दैट देयर लोकेशन, इट डजेंट मीन कि दे डोंट वॉन्ट इट, उनको चाहिए। हमारे अल्फोंसो मैंगो जो है उसका कितना डिमांड है कि नहीं? सारा तो एक्सपोर्ट हो जाता है, ठीक है ना? तो मैं क्या बताना चाह रहा था कि क्लाइमेटिकली हम लोग का इंडिया जो है इतना एडवांटेजियस पोजिशन में है कि हमारे पास दोनों टाइप के क्लाइमेट है, आर्कटिक क्लाइमेट भी है और हमारे पास ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है, isn't it? हमारे पास, और इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स। दैट्स वाई वी आर एबल टू सी, बोलना चाहिए कि ग्लेशियर्स, फ्रॉस्ट और एल्स स्नोफॉल, एवरीथिंग वी आर एबल टू सी इन इंडिया इटसेल्फ, ठीक है ना? तो खैर, तो ये मैं एक आपको ब्रॉडर पर्सपेक्ट बताया माउंटेन्स के बारे में। और ये क्या है जो मैंने बोला है ना कि स्वीट होते हैं, इंडिया में क्या है कि इंडिया के फ्रूट स्वीट ज्यादा क्यों होते हैं कोई बता सकता है? या इंडिया के या ट्रॉपिकल एरिया के जो फ्रूट होते हैं वो स्वीट क्यों ज्यादा होते हैं कोई बता सकता है? सनलाइट ज्यादा मिलता है, एडिक्वेट। एडिक्वेट सनलाइट मिलता है, एडिक्वेट सनलाइट होने से क्या होता है, स्वीट हो जाता है। यस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, और फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो तो क्या होगा, ग्लूकोज सुक्रोज जो जो हम फ्रक्टोज हम लोग जो जो पढ़ते हैं वो सब लेवल ज्यादा हो जाएगा, सेंट्रेट स्वीटनेस ज्यादा बढ़ जाएगी। भाई इंडिया, चाइना एंड ब्राजील इज द आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर एंड राइस, आर यू अवेयर ऑफ इट? कि इंडिया, चाइना एंड ब्राजील, दीज कंट्रीज आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर, वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर एंड राइस। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। अब शुगर तो समझ आता है, राइस में मोस्टली आपको क्या होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज होता है, विटामिन्स होते हैं। क्या होता है राइस में सबसे ज्यादा, क्या? कार्ब्स, कार्ब, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स, हाँ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स, यस है ना? कार्ब्स मतलब क्या है, कार्ब्स किसका बना है मोस्टली, मतलब वही ग्लूकोज वाले से चीजों से, इजंट इट? हम लोग बोलते हैं ना कि शुगर वाले को नहीं खाना चाहिए, मतलब क्या है, राइस भी क्यों हो पा रहा है, राइस को भी क्या चाहिए, ब्राइट सनलाइट चाहिए, राइस को भी ब्राइट सनलाइट चाहिए। मतलब क्या है, चाहे शुगर हो, जिसमें भी शुगर ज्यादा है या जिसमें भी ग्लूकोज ज्यादा है या कार्ब्स ज्यादा है, उसको आपको क्या चाहिए, वो आपको चाहिए कि वहां पे आपको ब्राइट सनलाइट और ज्यादा सनलाइट मिले, है ना? फोटोसिंथेसिस ज्यादा होना चाहिए अल्टीमेटली, और इट इज ओनली पॉसिबल ऑन इन दीज कंट्रीज। इसलिए चाहे अफ्रीका ले लो, ब्राजील ले लो, इंडिया ले लो, चाइना ले लो, ये सब जगह पे राइस एंड राइस से डोमिनेट फूड्स जो है बहुत मिलते हैं। और वही साउथ इंडिया में जाते जाओगे तो सारा ही राइस का मिलेगा, इसन्ट इट? साउथ इंडिया में जाओ तो मोस्टली, इनफैक्ट साउथ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया,
यहाँ पे आपको मोस्टली राइस एंड राइस डोमिनेटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो डेली के डेली स्टेपल फूड के हिसाब से देखा जाए तो वो, और नॉर्थ में जाओगे तो व्हीट एंड व्हीट डोमिनेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं खाने के लिए, है ना, जो स्टेपल फूड में, इजंट इट? और उसका रीजन कुछ नहीं है, रीजन इसका यही है, क्लाइमेट ही है, रीजन इसका क्लाइमेट ही है. नाउ यू यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द रीजंस, उसका रीजंस निकाल सकते हो क्यों आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु या कहीं भी जाओगे हर समय इडली डोसा मिलता रहता है, वो किसका प्रोडक्ट है? राइस, राइस का ही प्रोडक्ट है, इजंट इट? वहां पे भी हर तीनों सीजन में, खरीफ, रबी या जायद, तीन सीजन जो होते हैं एग्रीकल्चरल सीजन जो होते हैं, सारे सीजन में वहां पे राइस ही होता है. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इज एडिक्वेट, ठीक है ना, टेम्परेचर एडिक्वेट है. एनीवेज, तो मैं आपको क्या है, एक और व्यू दिया मैंने कि ना एक राइस और ये सब चीजों से का डोमिनेंस इस एरिया में ज्यादा है, इसका रीजन हम लोगों ने फाइंड आउट किया. बंगाल में देखो, उड़ीसा में देखो, छत्तीसगढ़ में देखो, आंध्र प्रदेश में देखो, पूरा ये ईस्टर्न से लेके साउथ एरिया, मतलब क्या है, यहां से लेके इतना एरिया पूरा अपना राइस डोमिनेटेड है, ठीक, ये सारे जगह. तो माउंटेन्स कई टाइप के होते हैं, कई कई सिंगल एमिनेंस होते हैं, जैसे कि किलिमंजारो को देखोगे कि एक सिंगल माउंटेन है ना, और एल्स इट माइट बी लाइक रेंजेस, हिमालय जैसे है, रॉकीज है. रॉकीज कहाँ पे है? रॉकीज सुना है, रॉकीज के बारे में, रॉकीज माउंटेन के बारे में थोड़ा सा. देखो, इन माई क्लास ऑलवेज कीप वन एटलस विथ यू, और एल्स यू शुड बी हैविंग वर्ल्ड मैप इन फ्रंट ऑफ यू, है ना. तो ये चीज जो मैं बताते जा रहा हूँ उस चीज को खोजते रहो आप, अदरवाइज कोई मतलब नहीं होगा चीजों को डिस्कस करने का, ठीक है. हैव एन एटलस विथ यू, आई हैड ऑलरेडी सेड कि आपको पहले ये करना है करके, मेरे क्लास में ये सब चीजें होनी चाहिए. तो सर्च रॉकीज कहाँ पे, देखो बताओ कहाँ पे. सर, कनाडा टू मेक्सिको, कनाडा सर नॉर्थ अमेरिका में है ना शायद. टू मेक्सिको. देखो, कनाडा टू मेक्सिको तो हम लोग दो साइड से जा सकते हैं, एक तो फ्लोरिडा वॉशिंगटन डीसी साइड से जा सकते हैं, या तो हम लोग कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को उस साइड से जा सकते हैं. कहाँ से मैं जाऊँ, कौन से रूट से जाऊँ? अमेरिका में आप लोग अमेरिका बोल रहे हो, मतलब इजंट इट, अमेरिका बोल रहे हो, रॉकीज माउंटेन मतलब. आयन हाँ सर, और नॉर्थ अमेरिका है? अमेरिका. ओके, हाँ नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका में वेस्ट साइड की ईस्ट साइड किस साइड पे है? वही साइड पे शायद. वेस्ट साइड. चलो गूगल अर्थ निकालते हैं. सही, याद नहीं अभी. क्या है, जो रॉकीज माउंटेन है वो वेस्टर्न साइड में है. वेस्टर्न साइड में कौन कौन से सिटीज हैं अमेरिका के, आर यू अवेयर ऑफ इट? वेस्टर्न साइड में सो वॉशिंगटन, कोलंबिया. वॉशिंगटन इस साइड है. देखो, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, ये सारे ईस्टर्न साइड में है. ये देखो, दिख रहा है ना, वॉशिंगटन, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, है ना, ये जो है फ्लोरिडा, ये सारे इस साइड पे है. इवन शिकागो भी यहाँ कहीं पर होगा, ये शिकागो, ठीक है ना. तो ये सारा जो है, इवन जो ये कनाडा का जो है, ओटावा जो है, मॉन्ट्रियल जो है ना, क्यूबेक है, ये सारे जो मेजर सिटीज हैं, चाहे कनाडा के हो चाहे अमेरिका के हो, वो दीज आर ऑन अलोंग दिस ईस्टर्न बाउंड्रीज, यहाँ पे है. तो ये मेजर मेजर सिटीज आपको दिख रहे हैं ये सारे, ठीक है ना. अब इस साइड पे आ जाओ, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, ठीक है ना, इस एरिया पे भी आपको काफी सारे क्या बोलते हैं मेजर सिटीज दिख रहे हैं. तो ये जो दिख रहा है ना, रिंकल्स आपको जो दिख रहे हैं ना, इज इट विजिबल, दिख रहा है आपको, है ना, ये जो ब्राउन कलर का जो दिख रहा है ना, जो रिंकल्स दिख रहे हैं, दीज आर रॉकीज माउंटेन, ये जो दिख रहा है ना, ये रॉकीज माउंटेन है.
तो आप लोगों का फेवरेट लॉस वेगस जो है वो यहाँ पे है। गलत जगह दिखा, तो यहाँ पे है ये जो, उसको मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ 3D में। ये जो दिख रहा है आपको ये ठीक है ना, दिस आर द रॉकीज माउंटेन, ये जो दिख रहा है आप लोगों को ठीक है ना। और इसके अपोजिट में अगर जाओगे, मतलब अगर हम लोग ईस्टर्न साइड में जाते हैं, तो वहां पे जो आपको दिख रहा है दैट इज एप्लेशियन माउंटेन। इस साइड पे जाओगे तो ये जो माउंटेन्स दिख रहे हैं, जो थोड़ा सा आपको ब्राउनिश दिख रहे हैं, दीज आर एप्लेशियन माउंटेन। एप्लेशियन माउंटेन ओल्ड है, ये जैसे देखो ये रिंकल्स दिख रहे हैं है ना। एप्लेशियन माउंटेन काफी ओल्ड है, तो इसलिए क्या है उसके एग्जिस्टेंस ज्यादा नहीं रह गया है। रॉकीज माउंटेन न्यू है, इसलिए उसके एग्जिस्टेंस ज्यादा है। तो ईस्टर्न साइड में एप्लेशियन है और वेस्टर्न साइड में रॉकीज माउंटेन, ठीक है ना। फिर एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन कहीं देखा आपने? मैं कहाँ जाऊँ एंडीज माउंटेन को खोजने के लिए? अफ्रीका में जाऊं, यहां मिलेगा? यूरोप में जाऊं, यहां मिलेगा? चलो यूरोप में जाते हैं। ये क्या है, इटली? ये जिनीवा, जिनीवा कहां पे? जिनीवा, ज्यूरिख कहाँ पे है ये? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड है ना। ये जो व्हाइटिश दिख रहा है ना, ये स्विट्जरलैंड है ठीक है ना। और यही है एंडिस माउंटेन ठीक है ना। दिस इज एंडिस मतलब स्विट्जरलैंड में जो माउंटेन्स दिखते हैं वो एंडिस यस माउंटेन है। यस यस जो स्विट्जरलैंड में जो माउंटेन्स दिखते हैं ना ब्यूटीफुल, दोज आर एंडिस माउंटेन, समझे ना। ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर में है, फ्रांस भी है यहीं पे। ये फ्रांस, ये देखो पेरिस दिख रहा है ना, ये फ्रांस है, ये स्विट्जरलैंड है ठीक है, और इटली इस साइड ठीक है। तो ये जो दिख रहे हैं जो ब्यूटीफुल माउंटेन्स जो होंगे वो स्विट्जरलैंड है। तो ये एंडिस माउंटेन है और ये भी काफी टॉप हिल पे है। देखो बर्न सुना होगा स्विट्जरलैंड में कई बार है ना। ये जितने व्हाइटिश दिख रहे हैं, मतलब इसका पीक बहुत हाइट पे है, जिसके कारण से स्नो या ग्लेशियर्स के कारण से ऐसा दिख रहा है। जैसे ये चीज यहाँ पे जो दिख रहा है ना, वैसे ही आपको इंडिया में भी दिखेगा। जैसे आप जाते हो इंडिया में, कहाँ जाऊँ, कहाँ गया मैं, कहाँ पे आ गया? ओके यहाँ पे आ गया। देखो इंडिया में भी व्हाइटिश दिख रहा है ना आपको, देखो ये व्हाइटिश दिख रहा है, ये जितना व्हाइट है ना, ये इट इज बिकॉज ऑफ स्नो, इट इज बिकॉज ऑफ द स्नो ठीक है ना। तो हम लोग क्या बता रहे हैं कि रेंजेस, अच्छा रेंजेस में क्यों बोल रहा हूँ, यू कैन सी हियर, हम लोग रेंजेस क्यों बोल रहे हैं, हिमालय रॉकीज, या इसको हम लोग रेंजेस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द वेरी नोन रीजन। यू कैन सी एक लाइन दिख रहा है, फिर एक और लाइन दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, और इवन और ज्यादा जूम करोगे तो बहुत टाइप के आपको लाइंस दिखेंगे, एक नीचे के लाइंस दिखेंगे, एक ऊपर के लाइंस। ये व्हाइटिश क्यों दिख रहा है, व्हाइटिश तो सबसे टॉप पीक वाले दिख रहे हैं, अदरवाइज आप सोचो ये भी हिल है, क्योंकि जैसे हिमाचल प्रदेश धर्मशाला यू माइट बी नोइंग, ये शिमला जो जान रहे हो, ये भी यहाँ पे भी एक माउंटेन का रेंज है, इसके नीचे भी एक माउंटेन का रेंज है। जस्ट बिकॉज यहाँ पे आइस का फॉर्मेशन नहीं है, इसके कारण से ये व्हाइट नहीं दिख रहा है, अदरवाइज ये पूरा का पूरा माउंटेन है। तो देर आर द थ्री रेंजेस इन द माउंटेन,
एंड नॉट ओनली हियर, इन द सेम केस यहाँ पे भी आप देखोगे जो हम लोग एंडीज देख रहे थे, इसमें भी ये जो व्हाइट लाइन दिख रहा है इट डजेंट मीन कि सिर्फ ये माउंटेन है, इसके बाद भी नीचे भी एक माउंटेन का चेन है जो कि हम लोग को दिख नहीं रहा है, जो व्हाइटिश नहीं है, मतलब ऐसे मल्टीपल रेंजेस हैं, पैरेलल रेंजेस है, यू कैन सी, ये देखो ये रेंज हुआ, ये रेंज हुआ, ऐसे पैरेलल रेंजेस हैं। ठीक है, तो जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स कई टाइप के हो सकते हैं, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग जिसको कारण फोल्डिंग के कारण से होता है या फॉल्टिंग के कारण से होता है, और कुछ जो होते हैं माउंटेन्स जो कि डेनुडेशन उसमें हो चुका है। जैसे क्या है, हम लोग बोलते हैं कोई भी स्ट्रक्चर इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन प्लस डिफॉर्मेशन, सॉरी एनी स्ट्रक्चर इज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन प्लस डिफॉर्मेशन, इट ओनली डिपेंड्स कि द लेवल ऑफ द फॉर्मेशन इज मोर एज कम्पेयर टू डिफॉर्मेशन और लेवल ऑफ डिफॉर्मेशन इज मोर एज कम्पेयर टू फॉर्मेशन। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई माउंटेन आपको दिखता है, इसका मतलब इस पर दो टाइप के प्रोसेस का काम कर रहे हैं, एक प्रोसेस जो है जो उसको उठा रहा है, अपलिफ्ट कर रहा है, एक प्रोसेस है जो उसको रिड्यूस कर रहा है। तो आपको जो दिखता है वो दोनों के बीच का एक रिजल्ट दिखता है, बट फ्यूचर में इट इज नॉट नेसेसरी कि वो माउंटेन वैसा दिखे। जैसे अपलेशन माउंटेन अपने समय में बहुत बड़ा माउंटेन रहा होगा, नाउ इट इज नॉट विजिबल वेरी क्लियरली, व्हाई, बिकॉज द लेवल ऑफ डिफॉर्मेशन इज मोर डोमिनेंट एज कम्पेयर टू लेवल ऑफ फॉर्मेशन। इन द सेम केस, इन द सेम मैनर हिमा, हम लोग बोलते हैं अरावली, अरावली जो एक प्रोडक्ट हम लोग को दिखता है वो अपने समय में हिमालय से ऊंचा था, अपने समय में जो अरावली था वो हिमालय से ऊंचा था, है ना, बट वॉट वी कैन सी इन टूडेज केस इट इज द लेवल ऑफ डिफॉर्मेशन इज मोर डोमिनेंट एज कम्पेयर टू लेवल ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है ना, तो मैं यही बताना चाह रहा था। तो ये जो लाइन लिखा है, एग्जिस्टिंग माउंटेन्स आर द रिजल्ट ऑफ द फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग एंड दैट ऑफ द एजेंट्स ऑफ द डेनुडेशन, ये मैं बताना चाह रहा था। तो देर आर मल्टीपल काइंड ऑफ माउंटेन्स, टोटल फाइव काइंड ऑफ माउंटेन्स आर देयर, वन इज फोल्ड माउंटेन, सेकेंड इज ब्लॉक माउंटेन, थर्ड इज वॉल्केनिक माउंटेन, फोर्थ इज रेसिडुअल माउंटेन एंड फिफ्थ वन इज माउंटेन ड्यू, है ना, फिफ्थ वन इज माउंटेन ड्यू जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, एक्चुअली चार ही माउंटेन है। ठीक है, तो दिस आर द फोर माउंटेन्स, ठीक है, फोल्ड, ब्लॉक, वोल्केनिक एंड रेसिडुअल, एंड इट हैज बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, किस तरीके से फॉर्म हुआ उस हिसाब से क्लासिफाई करें तो इस टाइप के हैं, पर अगर हम लोग उसके एज के हिसाब से क्लासिफाई करें तो कुछ अलग टाइप के माउंटेन्स दिखेंगे। अब फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, आई विल टेल यू, है ना। तो ये जो माउंटेन का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ओरोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस। वो पा और ओरो वाला एक मूवी था ना, तो वो वाला नहीं है, ये अलग ओरोजेनेसिस है। ठीक है ना, माउंटेन के जो बिल्डिंग का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड ओरोजेनेसिस। माउंटेन से रिलेटेड जो चीजें रहती है ना उसमें ना ओरो लिखे रहता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोजेनी, है ना, ओरोजेनेसिस, ठीक है ना, ओरो। और ये जिस टाइम पीरियड में ये ओरोजेनेसिस होता है उसको बोलते हैं ओरोजेनी, मतलब ओरोजेनी इज द टाइम पीरियड एंड ओरोजेनेसिस इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस। ठीक है ना, ये है। तो अगर हम लोग बोलते हैं हिमालयन ओरोजेनी, डज इट मीन कि द द द The time on which Himalaya has formed, or else we can see the time on which Himalaya has formed, or else बोलना चाहिए कि उस time पे कोई और भी mountain उसमें बन सकते हैं। Sorry, मैं question अच्छे से नहीं कर पाया, मैं फिर से पूछ रहा हूँ। देखो orogeny जब हम लोग बोलते हैं, जैसे मैं बोलूँ हिमालयन orogeny, अगर मैं बोलूँ हिमालयन orogeny तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा, अगर आप बताओ हिमालयन ओरोजेनी मैं बोलता हूं तो इसका मीनिंग क्या होगा। व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ हिमालयन ओरोजेनी, ओरोजेनी मतलब क्या है, ये प्रोसेस है कि टाइम है, यह
बोलो। बोलो ना। इफ आई एम सेइंग हिमालयन ओरोजेनी व्हाट डज इट मीन? आबादी फॉर्मेशन का प्रोसेस हिमालय के बनने का टाइम पीरियड जेनी बोल रहा हूं तो, और जेनेसिस मतलब हिमालय बनने का प्रोसेस। तो क्या हिमालयन ओरोजेनी में कोई दूसरा माउंटेन भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है। जैसे मैं बोलता हूँ जुरासिक एरा, तो क्या सिर्फ डायनासोर ही पैदा होंगे? क्या दूसरे एनिमल्स नहीं आ सकते? जुरासिक एरा इज सिंपली टॉकिंग अबाउट अ टाइम पीरियड इन अर्थ हिस्ट्री। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ हिमालयन ओरोजेनी जब मैं बोल रहा हूँ तो इट डजेंट मीन कि ओनली हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, उस टाइम पे अदर माउंटेन का भी फॉर्मेशन हो सकता है। जस्ट बिकॉज हिमालय एज द प्रोसेस वॉज डोमिनेंट ऑन दैट टाइम पीरियड, दैट्स वाई हिमालयन ओरोजेनी हैज बीन गिवन दैट नेम। समझ रहा हूँ, ठीक है ना? तो ओरोजेनी इज द पीरियड ऑफ द माउंटेन बिल्डिंग इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ इंटेंस अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यूजुअली एसोसिएटेड विद द फोल्डिंग थ्रस्ट, फॉल्टिंग एंड अदर कंप्रेशनल प्रोसेस। सर, यस, सर दैट मींस हिमालय के फॉर्मेशन के टाइम में कोई और माउंटेन भी था? यही इसलिए मैं आप लोग को ये चीज को क्लियर किया है ना। हिमालय जब बन रहा था उसके साथ साथ अदर माउंटेन्स भी बन रहे थे। फॉर एग्जाम्पल एंडीज माउंटेन, सेम प्लेस? नहीं नहीं सेम प्लेस नहीं, उस टाइम पीरियड पे जब अर्थ हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था अर्थ में, उस समय वहां पे एंडीज भी बन रहा था। सर सेम टाइम में? यस, टाइम पीरियड इज द सेम, ठीक है ना। इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है? हाँ रीजन है, रीजन है, मैं बताऊंगा ना उसका रीजन क्या है करके, है ना। तो उसका रीजन है ना। तो आज की क्लास में अगर हमारे कंप्लीट होता है तो मैं उसको पूरा वो चीज समझ आ जाएगा कि क्यों एंड वो। सर ये जो कहते हैं ना हिमालय स्टिल मूविंग, इज इट ट्रू? यस इट इज स्टिल मूविंग एंड इट इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लेट विच इज मूविंग। सर फास्टेस्ट है फिर भी दिखता नहीं? तो क्या होता है, ये एपिसोडिक दिखता है ना। ये एक बार में नहीं होता, ये क्या करता है, वो प्रेशर बिल्टअप होता है। और यही तो अनफॉर्चुनेट है कि प्रेशर बिल्टअप होता है और सडनली वो मूव करता है। ये जो तुर्किया में जो हुआ अभी है ना, तो वहां पे भी यही हुआ कि प्रेशर बिल्टअप हो रहा है हुआ और इसके बाद सडनली डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसलिए क्या है, ये रेगुलर ना होके ये एपिसोडिक होता है। अगर रेगुलर अर्थ पे आ रहा है तो यू आर वेरी मच सेफ। क्यों? क्योंकि फ्यूचर का कोई स्टॉर्म नहीं आने वाला, मतलब फ्यूचर का बड़ा अर्थक्वेक नहीं आने वाला। छोटे छोटे अर्थक्वेक में प्रेशर रिलीज हो जाना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना कोई पर्सन शांत है, मतलब क्या है, दो ही रीजन है, या तो वो बेचारा शांत ही है या तो बहुत कुछ मन में भर के बैठा है। दिक्कत है वो मन में भर के बैठा। द सेम केस इज फॉर हिमालय। इफ हिमालय इज नॉट मूविंग और अगर वहां पे अर्थक्वेक नहीं आ रहे हैं तो इट इज अनफॉर्चुनेट, इट शुड कम। So, that means in million years from today, we will see Himalaya in some other place. No, Himalaya was not existing at that time. No, sir, from today. From today, Himalaya, अगर future में देखा जाए तो हिमालय रहेगा, जैसे अरावली हो गया ना वैसे ही हिमालय रहेगा। और बहुत बाद में देखेंगे तो हिमालय वो जैसे बोलना चाहिए कि एप्लेशियन हो गया ना वैसा हो जाएगा। और भी टाइम हो जाएगा तो जैसे ईस्टर्न घाट है हमारे में, जैसे अराकू वैली थोड़ा बहुत वैली बच जाता है ना, वैसा टाइप का दिखेगा, है ना। और ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। और भी टाइम हो जाएगा तो फिर वो एक काइंड ऑफ प्लेटू टाइप का रह जाएगा। हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं नाम नाम स्किप हो रहा है, मतलब वो लाइक अ प्लेन बन जाता है, लाइक अ प्लेन बन जाता है। तो ये होता रहता है हिमालय, ऐसा नहीं कि हाँ, पर हिमालय अभी फॉर्म हो रहा है। मैंने बोला कि रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मोर एज कम्पेयर टू डिफॉर्मेशन इन द केस ऑफ हिमालय, दैट्स व्हाई हिमालय इज स्टिल राइजिंग एंड हिमालय इज स्टिल यंग।
हिमालय अभी भी राइज हो रहा है, हिमालय अभी भी यंग है और राइज होगा हिमालय, और कई मिलियन ईयर्स तक राइज होगा। अरावली जो है वो डाउन हो रहा है। तो यस, अभी जो हिमालय देख रहे हो, फ्यूचर में कई मिलियन साल ईयर बाद हिमालय उस हाइट का नहीं रह जाएगा, है ना, वो काफी नीचे हो जाएगा, है ना, और हो सकता है कोई और नया माउंटेन का रेंज बन जाए, है ना। सो नोबडी नोस कि कहाँ पे कौन सा माउंटेन का रेंज बन सकता है, क्योंकि हिमालय इतना यंग है, इतना यंग है, क्या बताएं मतलब उसके में भले रिंकल्स पड़ गए हैं, बट इट इज टू यंग। हम लोग का अर्थ का हिस्ट्री है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, हमारे अर्थ का हिस्ट्री, और हमारा जो हिमालय है वो 50 मिलियन साल भी पुराना नहीं है। इवन हमारा जो डेक्कन प्लेटू है वो उससे नया है, जो डेक्कन का प्लेटू है, सॉरी सर, वो उससे पुराना है, डेक्कन का प्लेटू भी है वो उससे पुराना है। तो हिमालय बहुत यंग है, एंडीज माउंटेन भी बहुत यंग है। तो मैं जो बता रहा था, यस आपने जो सही पकड़ा कि हिमालयन ओरोजेनी अगर मैं बोल रहा हूँ, दैट टाइम अदर माउंटेन्स कैन ऑल्सो फॉर्म, जस्ट बिकॉज हिमालयन एज अ प्रोसेस वॉज मोर डोमिनेंट एज कम्पेयर टू अदर डोमिनेटिंग लैंड फॉर्म, सो दैट्स वाई द नेम हैज बिन गिवन इन द नेम ऑफ हिमालय, हिमालय के नाम पे दे दिया गया, ठीक है ना। अब क्या है, कोई भी माउंटेन जो बनता है वो बहुत डीप से बनता है, डीप से बनता है मतलब पहले गड्ढा रहता है, गड्ढा रहता है मतलब जो डिप्रेशन वाला जोन रहता है, ये सिंक्लाइन होता है। सिंक्लाइन मतलब लाइक लेक, लाइक अ ओशियन भी हो सकता है, अर्थ का लोएस्ट पार्ट होता है कहीं पे जब माउंटेन बनता है। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जब डिप्रेशन से कोई बाहर निकलता है तो सीधा माउंटेन जैसा रहता हो जाता है, क्योंकि नाउ दे आर मोर स्ट्रॉन्गर। वैसे जो माउंटेन का जो बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है वो सिंक्लाइन से होता है। सिंक्लाइन मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ, अगर ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तो ये वाला जो एरिया है इसको सिंक्लाइन बोलेंगे और इसको बोलेंगे एंटीक्लाइन, है ना। अब जैसे कोई लेक है, इस तरीके का लेक है ना, यहाँ ये जो एरिया है ये भी ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंक्लाइन। यहाँ पे वाटर है, वैसे ओशियन है, दैट इज ऑल्सो सिंक्लाइन, ठीक है ना। तो कोई भी माउंटेन का फॉर्मेशन ऐसे एरिया से होता है जहां पे एक ऐसा जोन है जो कि डिप्रेशन में है, जिससे सराउंडिंग में कॉन्टिनेंट्स है, यहाँ पे भी कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे भी कॉन्टिनेंट है, और बीच में डिप्रेशन है। दैट टाइम जब माउंटेन हिमालय हमारा बना था, उस समय वो डिप्रेशन का काम किया था टेथिस सी। वो जो डिप्रेशन था जो पेनिनसुला इंडिया और यूरेशिया के बीच में था, और वो जो था डिप्रेशन वो था टेथिस सी। वैसे कोई भी माउंटेन बनता है वो किसी सी वाले एरिया या सिंक्लाइन वाले एरिया से बनता है। अब होता क्या है उसमें ये देखते हैं हम लोग। क्या है, जैसे ये सी है, ये सी है, अब इसमें क्या है, यहाँ की जो रिवर्स हैं, यहाँ से जो रिवर्स आती हैं ये डिपॉजिट करेंगे, यहाँ से भी जो रिवर्स हैं दे विल ऑल्सो डिपॉजिट, क्या डिपॉजिट करेंगे, सेडिमेंट्स, है ना, सेडिमेंट्स डिपॉजिट करेंगे, सेडिमेंट्स। यू माइट हैव हर्ड कि ये जो हिमालय जो माउंटेन है वो इग्नियस नहीं है, वो सेडिमेंटरी माउंटेन है। सुना है कभी, सेडिमेंटरी अवसाद बोलते थे, अवसादी पर्वत बोलो या सेडिमेंटरी माउंटेन बोलते हैं। तो ये जो किसी माउंटेन का बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो ओशन से स्टार्ट होता है, और वो भी जो रिवर्स कैरी करता है सेडिमेंट्स अपने साथ, वो सी में एक लेयर जैसे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे गंगा जो है, गंगा ब्रह्मपुत्र, इतना लोड सेडिमेंट्स के बे ऑफ बंगाल में डिपॉजिट करते हैं, तो इस तरीके का एक लेयर बन गया होगा, इजंट इट, इस तरीके का एक लेयर बन गया होगा। देन व्हाट विल हैपन, देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी द लोड, फर्दर लोड, और इसमें लोड आता जाएगा, लोड आता जाएगा। अब देखो, एक बोलना चाहिए कि एक नेट, एक आपने जाली लिया या नेट ऐसे रखा, रुको, आपने एक नेट रखा, इस टाइप का एक नेट है, इसमें आपने बड़ा सा हैवी आयरन का बॉल डाल दिया, तो आयरन का बॉल डालने से क्या होगा, ये जो
हमारा जो अलादीन का जो कालीन है, अलादीन का था ना कालीन, हाँ, या तो अभी डॉक्टर स्ट्रेंज का जो कालीन है उसमें डिप्रेशन ऐसे टाइप का आ जाएगा, होगा कि नहीं? मतलब क्या होगा, जब ज्यादा लोड आ जाएगा तो ये इस साइड पे कॉन्टिनेंट्स ड्रैग होंगे, है ना? ये ऐसा था, इसमें मैंने कुछ हैवी चीज रख लिया तो ये इस साइड, ये दोनों ड्रैग होगा ना अपने साइड पे, है ना? दोनों अपने साइड में कंप्रेस्ड होंगे। अब ज्यादा इसमें लोड आ जाने से क्या होगा, ये प्लेट और भी कंप्रेस्ड होंगे और ये जो सेडिमेंट्स है ये स्क्वीज्ड अप होके माउंटेन टाइप का बन जाएगा, स्क्वीज्ड अप होके माउंटेन जैसा बन जाएगा, और यही माउंटेन जो है दैट इज सेडिमेंटरी माउंटेन। अगेन सी द प्रोसेस, फिर से समझो प्रोसेस को, समझो सी में सेडिमेंट्स आए, सेडिमेंट्स का इतना लोड बढ़ता गया कि ये नीचे आता गया, ये हैवी होने के कारण से सेडिमेंट्स ना नीचे आते गए, है ना? और उसके कारण से कंप्रेशन होता गया, उसके कारण से प्लेट भी क्लोज आते गया, प्लेट भी क्लोज आते गया। अगर इसके सपोर्ट करने के लिए प्लेट का मूवमेंट भी इसी साइड हो रहा है, बाय द वे प्लेट इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, देन वॉट विल हैपन, इट विल बी सपोर्टेड, देन द सेडिमेंट्स विल गेट स्क्विज्ड अप, सेडिमेंट्स जो है स्क्विज्ड अप हो जाएगा और वही माउंटेन बना देगा, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं सेडिमेंट्री माउंटेन। सो एनी काइंड ऑफ द माउंटेन इज गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ द जियोसिंक्लाइन, जियोसिंक्लाइन मतलब इट इज वन ऑफ द थ्योरी थ्रू विच माउंटेन फॉर्मेशन हैज बीन एक्सप्लेन्ड एंड मेनली द फोल्ड इन माउंटेन, जिसको फोल्ड हो रहा है। देखो माउंटेन फोल्डेड मतलब क्या है, माउंटेन में कंप्रेशन इतना पड़ा कि फोल्ड हो गया, इजंट इट, फोल्ड हो गया। तो ये फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है, जियोसिंक्लाइन से हमको समझ आता है कि किसी एरिया पे माउंटेन का बिल्डिंग कैसे हुआ। इसी जियोसिंक्लाइन के समय, मतलब जैसे यही जियोसिंक्लाइन के कारण से रॉकीज जब बना था तो पहले रॉकीज का जियोसिंक्लाइन था, यूरल जब माउंटेन बना था तो रॉक यूरल का एक जियोसिंक्लाइन था, टेथिस बना था तो टेथिस का जियोसिंक्लाइन, टेथिस मतलब हिमालय जब बना था तो टेथिस का जियोसिंक्लाइन था। देर इज ऑल्सो सरकम पैसिफिक जियोसिंक्लाइन, मतलब जहां पे पैसिफिक एरिया के सराउंडिंग में यू माइट बी नोइंग कि पूरा ट्रेंचेस है, मैंने दिखाया था आपको लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे ट्रेंचेस है पैसिफिक ओशन के सराउंडिंग में, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द जियोसिंक्लाइन। लेटर ऑन वॉट विल हैपन, होल ऑफ द ओशनिक वाटर और जो रिवर का वाटर है सेडिमेंट्स विल बी गेटिंग डिपॉजिटेड एंड लेटर ऑन इट विल बी स्क्विज्ड अप एंड दैट इट विल क्रिएट अ माउंटेन, एक माउंटेन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना? तो ये है प्रोसेस किसी माउंटेन का बनने का। अब ये तो जियोसिंक्लाइन एक थ्योरी मैंने बताया। इस तरीके से माउंटेन जब बनते हैं तो हम लोग वो जो प्लेट का मूवमेंट के बारे में पढ़े थे ना, उससे रिलेट करके अगर देखा जाए, जैसे दो प्लेट जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट, दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, देन वॉट विल हैपन, एक प्लेट ऐसा हो जाएगा और दूसरा ऐसा हो जाएगा, क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंटल है तो फोल्डिंग हो जाएगा, दोनों को फोल्डिंग हो जाएगा, ये भी यहां से भी ये भी ऐसा हो जाएगा, ये भी ऐसा ऐसा हो जाएगा, फोल्डेड अप हो जाएगा, बिकॉज दोनों कॉन्टिनेंटल है, नन ऑफ द प्लेट विल कम्प्रोमाइज टू गो बिनिथ, है ना? दोनों कॉन्टिनेंटल है तो इसलिए फोल्डेड हो जाता है। तो माउंटेन जो बनते हैं वो कन्वर्जेंस से तो बनते हैं, जैसे हिमालय बना था या जैसे एंडीज बना है, फोल्डिंग से बनता है, और कन्वर्जेंट मतलब ये कंप्रेशन है कि टेंशन है, टेंशन है कि कंप्रेशन है, जो कोल्ड माउंटेन कंप्रेशन क्या बताया, कंप्रेशन है, कंप्रेशन है ना, जो भी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होते हैं वो कंप्रेशन के कारण से बनते हैं। डाइवर्जेंट के कारण से भी क्या माउंटेन बनते हैं, लेट्स सी, विल सी। डाइवर्जेंट में तो दो प्लेट अपोजिट जा रहे हैं तो क्या इसमें बन सकते हैं। फिर तीसरा है फ्रिक्शनल एंड शेयरिंग, तो लेट्स सी, हम लोग तो कन्वर्जेंट तो जान रहे हैं, तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में कैसे माउंटेन बनते हैं। इफ यू रिमेम्बर, अगर ओशियन एंड कॉन्टिनेंट आपस में स्ट्राइक करते हैं, या ओशियन और ओशियन बनते हैं, या कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, यही तीन तो प्रोसेस है कन्वर्जेंट में। अब जैसे ये वाला जो था, इफ यू रिमेम्बर, हम लोग ओशियन ओशियन की बात किए थे, तो यहाँ पे जो वोल्केनिक माउंटेन बने उसको आइलैंड आर्क बोल रहे थे, इफ यू रिमेम्बर, इसको आइलैंड आर्क बोल रहे थे। ये अगर ज्यादा फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये भी माउंटेन बन जाएगा, ये भी एक माउंटेन बन जाएगा, जैसे जापान में हुआ है, जैसे फिलीपींस में जो माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है, इट इज ड्यू टू दिस प्रोसेस, ओशियन ओशियन, ओशियन ओशियन के कारण से इसका फॉर्मेशन हुआ, दो ओशियनिक प्लेट कोलाइड किया।
जैसे जापान में जितने आइलैंड्स हैं या जितने भी माउंटेन्स हैं, इट इज बिकॉज वन प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स अनदर प्लेट. हियर इट इज यूरेशियन प्लेट और यहाँ पे जो है पैसिफिक प्लेट है, जिसके कारण से माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ. इट इज अगेन कन्वर्जेंट. कन्वर्जेंट में एक और होता है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट. जैसे दोनों साइड कॉन्टिनेंट हुआ तो यू इफ यू रिमेंबर कि नीचे कोई भी प्लेट नहीं जाएगा तो क्या हो रहा है, फोल्डेड अप हो जाएगा दो कॉन्टिनेंटल प्लेट. तो जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब कोलाइड किए थे तो एल्प्स एंड हिमालय जो माउंटेन है वो बने थे. व्हाट आई हैव टोल्ड यू, अगर अभी अभी आप मैंने बोला था कि हिमालयन ओरोजेनी में एल्प्स माउंटेन भी बना था, तो यू कैन सी द टाइम पीरियड इज द सेम, इवन द जियो सिंक्लाइन इज ऑल्सो द सेम. टेथिस का जो जियो सिंक्लाइन था दैट वॉज द सेम ना. अगर भूल गए होगे तो मैं आपको कुछ एक वीडियो दिखा सकता हूँ, वो लास्ट में दिखाऊंगा मैं उसको. चलो उसको लास्ट में दिखाऊंगा. तो क्या है कि यहाँ पे यूरेशिया है, यहाँ पे इंडिया है, इंडिया इस साइड मूव कर रहा है, यहाँ पे यूरेशिया है, बीच में क्या था, टेथिस सी था. टेथिस, तो टेथिस सी वॉज कॉमन थ्रू आउट द अर्थ. कैसे, आपको गूगल अर्थ में चलते हैं, पहले आप लोग टेथिस सी देख लो कैसा था. समथिंग लाइक दिस. ये जहां पे हिमालय है वहां पे टेथिस सी था, इस जगह पे ये जैसे दिख रहा है आपको. अरे ये जो जगह है यहाँ पे टेथिस सी था. अब ये पोर्शन इससे स्ट्राइक करेगा तो एल्प्स माउंटेन बनेगा, है ना. ये पूरा एरिया स्ट्राइक करेगा, इससे टकराएगा, इंडिया से टकराएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे हिमालय बनेगा. इंडिया यहाँ गया टकराया, अफ्रीका यहाँ से स्ट्राइक किया इस साइड पे, तो यहाँ पे एल्प्स बना, यहाँ पे इंडिया का हिमालयन बना. पर सी वॉज द सेम. सी कौन सा है, टेथिस सी है. इज इट ओके. यस सर. यस. और देख रहे हो कौन सा टाइम है, 65 to 70 मिलियन, है ना. ये क्या टाइम होता है, ये इतना कम टाइम है. कहाँ हम लोग 4.6 बिलियन की बात करते हैं हमारे अर्थ का हिस्ट्री को, उसके कंपैरिजन में 60 या 70 मिलियन तो बहुत कम है ना. तो इस यही बताना चाह रहा था. हिमालय एंड एल्प्स केम इनटू एग्जिस्टेंस अबाउट 30 to 20 मिलियन ईयर्स अगो. ये जो प्रोसेस है टेथिस सी जो क्लोज होना चालू हुआ वो 70 to 65 मिलियन ईयर्स अगो चालू हुआ, और जो हिमालयन एल्प्स बनना चालू हुआ वो 30 से 20 मिलियन. तो कैन यू सी इट इज टू यंग, है ना. इसी सब से हम लोग बोल सकते हैं इट इज टू यंग. तो हम लोगों ने दो टाइप का कन्वर्जेंस देखा, कौन कौन सा. एक तो ओशन ओशन, जिसका एग्जाम्पल क्या देखा, हम लोगों ने जापान का देखा, फिलीपींस के आइलैंड देखा. सेकेंड बोला मैंने कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, जिसका एग्जाम्पल हिमालयन एल्प्स देखा हम लोगों ने. फिर एक और होता है, इफ यू रिमेम्बर, कि एक ओशनिक प्लेट है और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, लाइक साउथ अमेरिका में हम लोगों ने देखा था. तो यहाँ पे क्या है, नाजका जो प्लेट है वो साउथ अमेरिकन प्लेट के अंदर जा रहा था, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर वॉज वोल्केनिक माउंटेन एंड फोल्ड माउंटेन विच हैज बीन फॉर्म. एंड वोल्केनिक माउंटेन एंड फोल्ड माउंटेन ये जो रेंज बनाएगा साउथ अमेरिका में, उस माउंटेन का नाम क्या है, कुछ कोई बता सकता है, जो साउथ अमेरिका में बना है. साउथ अमेरिका में जो ब्राजील के लेफ्ट साइड में, अर्जेंटीना के लेफ्ट साइड में जो माउंटेन है उसका नाम क्या है. ये दिख रहा है ना, ब्राउनिश फ्रॉम हियर टू हियर. What's the name of this mountain? आपने कुछ बताया कि मैंने नहीं सुना.
इट्स एंडीज माउंटेन इजंट इट, एंडीज माउंटेन है ये, ठीक है। देखो यहाँ पे आइस दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये ना पोलर रीजन के पास आ गया है ना, पोलर रीजन मतलब देखो काफी नीचे है ना ये, यहाँ पे स्नो का फॉर्मेशन दिख रहा है। सो ये देख रहे हो एंडीज माउंटेन, कितना बड़ा माउंटेन है एंडीज माउंटेन। तो यहाँ पे क्या हुआ था, याद होगा नाजका प्लेट अंदर जा रहा था साउथ अमेरिका प्लेट के अंदर में, जिसके कारण से वोल्केनिक माउंटेन है। तो यहाँ पे वोल्केनो है, अर्थक्वेक है, ठीक है, दोनों चीजें हैं। ये एंडीज माउंटेन एंड यहाँ पे जो रॉकीज माउंटेन देखे थे याद है ना, यहाँ पे भी ये है कि जो पैसिफिक प्लेट है ये अंदर जा रहा है, जिसके कारण से ये जो माउंटेन बने। तो ये जो कन्वर्जेंस है, ये एंडीज जो दिखा और रॉकीज जो है, दीज आर वॉल्केनिक प्लस फोल्ड माउंटेन एंड इट इज बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन कन्वर्जेंस, वाइल हिमालय एंड एल्प्स माउंटेन आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। एंड जापान एंड फिलिपाइंस में जो है, दीज दे आर द एग्जाम्पल ऑफ वॉट, ओशियन एंड ओशियन कन्वर्जेंस। अच्छा ये बताओ, मैं जब स्विट्जरलैंड बता रहा था तो मैंने एंडीज तो नहीं बोल रहा था ना, धोखे से एल्प्स बताया था ना मैंने, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि मैं कहीं गलत तो नहीं बता रहा था, देखा सा एल्प्स ही बताया मैंने। तो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि देखो ये तीन प्रोसेस जिसके थ्रू एंडीज का माउंटेन बना है वो ये है, जिसमें फर्स्ट प्रोसेस जो है ये ओशियन कॉन्टिनेंट, सेकंड प्रोसेस है ओशियन ओशियन एंड थर्ड प्रोसेस है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, है ना। ये तीन टाइप के माउंटेन्स इस तरीके से बनते हैं और ये सारे कंप्रेशनल फोर्स के कारण से बने हैं, ठीक है। अब टेंशन फोर्स के कारण से कैसे बनते हैं माउंटेन्स, टेंशन फोर्स के कारण से। तो फोल्ड माउंटेन तो यू नो कि कैसे, कंप्रेशनल फोर्स के कारण से। फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल्स में देखा जाए तो दिस हिमालय, रॉकीज, एल्प्स, एंडीज, ये सारे माउंटेन जो है दिस आर द एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन। कोई भी चीज में कंप्रेशन पड़ता है तो फोल्डेड अप हो जाएगा। तो जो फोल्ड माउंटेन है इट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ कंप्रेशन, ठीक है ना, इट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ कंप्रेशन। इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एंडोजेनिक और इंटरनल फोर्सेस, जिसके कारण से सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन बन जाता है। जब प्रोसेस ऐसे फोल्ड होगा तो क्या होगा, सिंक्लाइन एंड एंटीक्लाइन बन जाता है, ठीक है ना। तो एंडोजेनिक जेनिक मतलब या एंडोजेनेटिक मतलब क्या है, जो फोर्सेस नीचे से आते हैं अर्थ के अंदर से आते हैं उसको एंडोजेनिक, और जो फोर्स ऊपर से आते हैं माउंटेन के ऊपर से, जैसे रिवर होता है ना, विंड होता है, ग्लेशियर्स होते हैं, दोनों आते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ के बाहर से निकलते हैं। तो ये फोल्ड करने का रीजन क्या है, एंडो है, अर्थ के अंदर से आ रहे, ठीक है, एंडोस्कोपी बोलते हैं हम लोग, एंडो जहाँ पे भी यूज करते हैं, जो कि हम लोग इंटीरियर पार्ट के बारे में बात करते हैं ना, अंदर से। तो दीज आर फोल्ड माउंटेन जो है, इसमें से कुछ यंग फोल्ड माउंटेन है और कुछ ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। जैसे पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में इतने सारे माउंटेन्स यू कैन सी, है ना, यू शुड बी रिमेम्बरिंग दिस पिक्चर। रॉकीज यहाँ पे है जो मैंने दिखाया आपको, यहाँ पे एप्लेशियन माउंटेन हुआ, एंडीज माउंटेन यहाँ है, यहाँ पे एटलस है, यहाँ पे एल्प्स है, यहाँ पे इथियोपियन हाईलैंड है, यहाँ पे पामीर का प्लेटू है इस एरिया पे, अल्टाई माउंटेन, तीन शान, यूरल माउंटेन्स इफ यू रिमेम्बर, यूरोप एंड एशिया के बीच का बॉर्डर बनाता है, बट इट इज स्टिल पार्ट ऑफ रशिया, ये रशिया का पार्ट है। हिमालयन माउंटेन्स, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पे है, ड्रेकेंसबर्ग है, दीज आर द माउंटेन्स जो कि अर्थ में सबसे डोमिनेंट है, ठीक है ना। तो एल्प्स, एटलस ये वाला हुआ, एंडीज, रॉकीज, एप्लेशियन, हिमालयन, ये कुनलुन शान है, एक तियन शान है, एक पामीर है, एक अल्टाई माउंटेन है, ये यहीं पे है जिसको हम लोग देख लेंगे। अब व्हाट इज ब्लॉक माउंटेन, ठीक है ना, क्या है, हम लोगों ने दो टाइप का फोर्स देखा, एक तो कंप्रेशनल, और मैं बोल रहा था कि टेंशन के कारण से क्या माउंटेन बन सकता है क्या। अब सोचते हैं कि टेंशन के कारण से कैसे माउंटेन बन सकते हैं, टेंशन के कारण से दीवारें खड़ी हो जाती है ना, पर माउंटेन्स कैसे बनते हैं। तो लेट्स सी,
जैसे माउंटेन्स जो फोल्ड माउंटेन होते हैं तो उसमें क्या है, अपलिफ्टिंग होता है, पर यहाँ पे क्या डाउन लिफ्टिंग भी हो सकता है। जैसे क्या है, एक स्ट्रक्चर है ऐसा, सपोज यहाँ पे हल्के से क्रैक्स हैं, यहाँ पे भी हल्के से क्रैक्स। अब मैं दोनों साइड से इसको खींचू, व्हाट विल हैपन, क्या होगा? ट्रैक के साइड से टूट जाएगा। लाइक दिस इट मे हैपन, लाइक दिस, नीचे का पिक्चर जैसे दिख रहा है ना, यस सर। ये कहीं और से ऐसे टूटा जो कि ऐसे खिंचा गया है ना, ये ऐसे टूटा तो ये ऐसा खिंचा गया, मतलब ये इस तरीके से खिंचा गया, ये इस तरीके से खिंचा गया, और जो बीच वाला पोर्शन है वो नीचे चला गया। तो इसमें क्या लिखा है, अपलिफ्टिंग एंड डाउन लिफ्टिंग। कैन यू सी दिस, अपलिफ्टिंग, तो ये क्या है, अपलिफ्टेड है, और ये क्या है, डाउन लिफ्टेड है। तो यहाँ पे खड़े होकर दिखे देखोगे तो आपको ये माउंटेन जैसा दिखेगा, जबकि ये पूरे सेम प्रोसेस थे, मतलब सेम था वो। जस्ट बिकॉज टेंशन फोर्स के कारण से एक आपको समिट दिखने लगा, यहाँ पे भी टेंशन फोर्स के कारण से आपको समिट दिखने लगा। तो इन रियलिटी ये वैली का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि ये नीचे चला गया और इसके कारण से ये माउंटेन जैसा दिख रहा है, समझे? फॉल्ट माउंटेन या ब्लॉक माउंटेन किसको बोल रहे हैं? तो सर ये एक्चुअली में माउंटेन है कि मतलब हाँ, इसको कंसिडर करते हैं ये अंडर द माउंटेन, इट इज द माउंटेन, ठीक है ना? तो ये इसको ब्लॉक माउंटेन या फॉल्ट माउंटेन, देखो ये फॉल्ट लाइन है जिसके अलोंग में ये ड्रैग्ड अप हुआ ना, ये फॉल्ट लाइन है, इसलिए फॉल्ट माउंटेन। अगर क्रैक्स नहीं रहते या फॉल्ट नहीं रहते तो हो सकता है ये खिंचाते नहीं। क्या है, रिलेशन ब्रेक दो रीजन से होते हैं, दो रीजन नहीं, दोनों रीजन पैरेलली होते तब होते हैं, एक तो ऑलरेडी क्रैक्स हैं, दूसरा पुल फोर्स है कि नहीं? पुल फोर्स है। अब हमारा जो जीत है, एक तो हैंडसम है, तो जो जीत जिसको चाहता है ना, वो कहीं और कमिटेड है, पर उससे बहुत झगड़ा होता है उसका, और ऊपर से जीत एक हैंडसम पर्सन है ना, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। तो जीत क्या है, जीत एक पुल फोर्स क्रिएट करता है, एज वेल एज उसके जो क्रैक्स हैं उसको खींचने का काम करते हैं, उनके रिलेशन में जो क्रैक्स हैं। तो ये जब दोनों साथ में हो जाता है तो फॉल्ट किसका है, आई डोंट नो, बट वन थिंग इज श्योर, पहले फॉल्ट होता है, फिर दैट पर्सन विल बी ब्लॉक्ड, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द टेंशन विच हैज बीन क्रिएटेड इन द माउंटेन्स, नॉट इन रिलेशंस। तो इट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द टेंशंस, ठीक है ना? इस तरीके से बनता है ये ब्लॉक माउंटेन, समझे? तो ब्लॉक माउंटेन होने के लिए टेंशन वाला फोर्स क्रिएट मत होने दो, टेंशन क्रिएट हो भी जाए तो क्रैक्स मत रहने दो, है ना? ये दोनों हो जाएगा तो गैप हो। तो द अपलिफ्टेड ब्लॉक जो उठ गया है ऐसा है, दे आर कॉल्ड होस्ट, इसको होस्ट बोलते हैं, और जो नीचे चला गया है उसको बोलते हैं ग्रैबन, ठीक है ना? तो होस्ट एंड ग्रैबन कैसे याद रखना है, ग्रैबन ग्राउंड के पास है तो याद कर लो, तो अपोजिट क्या हुआ, होस्ट, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन इन जर्मनी, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ वॉट, ब्लॉक माउंटेन। वेरी रेयर एग्जाम्पल्स ऑफ द ब्लॉक माउंटेन्स आर देयर, दैट्स व्हाई यू विल हैव टू रिमेम्बर द ऑल द नेम्स ऑफ द ब्लॉक माउंटेन्स। सेकेंड वन इज सियरा नेवादा, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, राइन वैली एंड वोचेस माउंटेन इन यूरोप। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन, जिसमें से अफ्रीकन रिफ्ट वैली इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रैबन। अब याद होगा ना, अफ्रीका इज गेटिंग रिफ्टेड, मैंने बताया था, है ना? तो वो जो रिफ्ट वैली है ना, वो ग्रैबन क्रिएट किया, ठीक है ना? तो दिस वन इज ग्रैबन, यू कैन सी दिस वन इज ग्रैबन एंड दिस वन इज होस्ट।
कहाँ कहाँ पे है ये सब जो हम लोग बात कर रहे थे, ये जो दिख रहा है ये वाला जो एफ वाला है, दैट इज सियरा नेवादा, अमेरिका में जो है दैट इज सियरा नेवादा। यहाँ पे जो दिख रहा है अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक है ना, दिस इज डेड सी का ये रिफ्ट क्रिएट हुआ है, डेड सी का। यू माइट बी नोइंग कि डेड सी ऐसा प्लेस है जहाँ पे सैलिनिटी इतना हाई है कि आप फ्लोट कर सकते हो, कभी सुना होगा। देन ए के पास जो ये वाला है ये काफी फेमस है, दैट इज राइन वैली, ठीक है ना। ए जो है वॉजेस माउंटेन भी वहीं पे है, ई वाला, एंड जी जो है सब लोग जानते हैं ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है ना। ये एरिया है जहाँ पे ये फॉल्ट है, ये तीन, ठीक है ना। यहीं पे राइन वैली है, यहाँ पे वॉजेस माउंटेन है, और यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट है, यहाँ पे अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, यहाँ पे सियरा नेवादा है, और ये डी वाला जो दिख रहा है दैट इज डेड सी रिफ्ट, और एक बी है हट वैली करके, जा हट, तो ये है हट वैली, ठीक है। ये पिक्चर है, इस पिक्चर को इस पिक्चर से कोरिलेट करो, व्हाट माइट हैव हैपेंड हियर, इट इज द एग्जांपल ऑफ सियरा नेवादा। क्या हुआ होगा यहाँ पर, क्या किसी को यॉर्निंग करते हुए देखते हो तो सामने वाले को भी यॉर्निंग आ जाता है, क्यों होता है? बायोलॉजी देवर, क्या नाम था उसका, विदाशिता, यॉनिंग देख के किस सामने वाले को भी यॉनिंग क्यों आ जाता है? क्लासरूम में ना कोई एक पर्सन यॉनिंग करना चालू हुआ ना तो पूरा क्लासरूम चालू हो जाता है। नहीं पता सर। अच्छा व्हाई डू वी यॉन, हाँ अच्छा यॉनिंग करने का पर्पस क्या है, यॉन क्यों आता टायर्ड होते हैं तो अच्छा टायर्ड होते तो यॉनिंग क्यों आता डेफिशिएंसी है? ऑफ ऑक्सीजन होती ऑक्सीजन कम होता है सर, है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी और इन द ब्रेन, ब्रेन। ब्रेन 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 है ना, मतलब अगर आपका ब्रेन बहुत काम किया है दिन भर में तो टायर्ड हो गया होगा, उसको ऑक्सीजन की कमी हो गई तो आपको ये आ जाता है, पर किसी और को देख के यॉर्निंग आ जाए वो क्या है? इसको बोलते मिरर, मिरर न्यूरॉन, मिरर न्यूरॉन के बारे में सुने हो? हमारे कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सिंपली मिररिंग करने की कोशिश करते हैं सामने वाले को, है ना। और ये जिनका कई कई लोगों का ना मिरर न्यूरॉन इतना स्ट्रांग होता है कि डांस का प्रैक्टिस भी नहीं किए पर देख के डांस कर लेते हैं, है ना, ऐसे कई लोग होते हैं, यू माइट हैव सीन सम पीपल। कुछ लोगों का मिरर न्यूरॉन इतना स्ट्रांग होता है, एक्चुअली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ योर ब्रेन, आपका ब्रेन कैसे लर्न किया है थ्रू आउट योर लाइफ। वो रोल मॉडल को देख के लर्न किया है, कि वो प्रॉब्लम्स में पढ़ के फिर कुछ लर्न किया है, या तो उसने थ्योरी से लर्न किया है, मतलब एक्सपीरियंस से लर्न किया है, बहुत टाइप की चीज़ें। इट ऑल टॉक्स अबाउट कि आपका पास्ट क्या रहा है। कुछ लोगों के जो छोटे ब्रदर होते हैं, जो मतलब यंगर ब्रदर या यंगर सिस्टर, उन लोग का मिरर न्यूरॉन स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि उनका ब्रदर या सिस्टर जो है वो उसी से के एज के आसपास होती है, तो वो लोग उसी तरीके से बात करते हैं, उसी टोन में बात करते हैं, क्योंकि वो मिररिंग करते हैं। बेबीज भी स्टार्टिंग में मिररिंग बहुत करते हैं, लेटर ऑन वो अपने एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। तो मिरर न्यूरॉन्स के कारण से हम लोग सामने वाले को देख के हम लोग को भी यॉनिंग आ जाता है। खैर, तो मैं ये बताना, यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन के बारे में बताना चाह रहा था। तो क्या ये देखो इस वैली को देख के, दिस ग्रैबन जो है, और ये ग्रैबन को देख के कुछ सिमिलरिटी समझ आ रही है? देखो ये सडन, यहां से ये स्टीप वॉल है ना, बहुत स्टीप है ना, लाइक समथिंग वॉज लाइक दिस एंड सडनली नीचे चला गया, ऐसा नहीं लग रहा है? इसलिए स्टीप वॉल है।
और वो क्या, क्योंकि इस साइड वाला जो पोर्शन है, पहले ये दोनों कनेक्टेड रहा होगा, ये और ये वाला पोर्शन कनेक्टेड रहा होगा, क्योंकि इसका जो माउंटेन है, इसका माउंटेन है, सेम दिख रहा है, ये दोनों कनेक्टेड रहे होंगे। अब ये पीछे हो गया लाइक दिस, ये ऐसा हो गया और ये ऐसा रह गया, तो ये पोर्शन इधर रह गया, इधर वाला पोर्शन इधर रह गया, तो बीच में वैली क्रिएट हो गया। सो दैट्स वाई अब अगर आप यहाँ पे खड़े होकर देखोगे तो यू विल फाइंड कि इट इज द माउंटेन, आपको लग रहा है ये माउंटेन है। वाइल व्हाट हैज हैपेंड, ये अपलिफ्ट हो गया, सॉरी, ये अपलिफ्ट हो गया और ये डाउन लिफ्ट हो गया, ठीक है ना, यही हुआ। तो ये है सियरा नेवादा का। वोल्केनिक माउंटेन के बारे में बहुत अच्छे से समझे हम लोग, है ना, जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने समझा था कि वोल्केनो के कारण से माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि जो खासकर जो कंपोजिट टाइप का वोल्केनो होते हैं, है ना, या तो वैसे वोल्केनो जो कि एसिडिक होते हैं, उसका हाइट या उसका जो स्लोप जो होता है बहुत स्टीप होता है और माउंटेन का फॉर्मेशन कर देता है, तो वैसा माउंटेन जो है वोल्केनिक माउंटेन है। इसके एग्जाम्पल में मोनालोआ ऑलरेडी वी हैड सीन, हवाईयन आइलैंड में मोनालोआ को देखा था, माउंट पोपा, दिस इज माउंट पोपा, ठीक है, माउंट फूजी के बारे में भी जान रहे हैं। तो मैंने क्या किया है कि ऐसे एग्जाम्पल्स को मैं नहीं शो करना चाहता जो कि आपको याद हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने माउंट पोपा का एक इमेज लेके आ गया। इट इज पिलग्रेमेज सेंटर, यहाँ का पिलग्रेमेज सेंटर है, कभी म्यांमार जाओगे तो ये यू कैन फाइंड दिस वन। व्हाट यू कैन सी, देखो इस एरिया पे सडनली ये राइज हुआ है ना, देखो सराउंडिंग कितना दूर है। इस टाइप के माउंटेन दो टाइप के हो सकते हैं, ये रेसिडुअल भी हो सकता है, ये वोल्केनिक हो सकता है, बट एग्जाम्पल इज ऑफ माउंट पोपा इज इन म्यांमार इज ऑफ द वोल्केनिक, मतलब ये वोल्केनिक इन ओरिजिन है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक सिंपल चीज समझाता हूँ मैं, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। जो माउंटेन वोल्केनो से निकले हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होंगे कि जो माउंटेन सेडिमेंट्री माउंटेन, कौन से ज्यादा स्ट्रांग होंगे? वॉल्केनिक माउंटेन जो वोल्केनिक माउंटेन होते हैं ना वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। सपोज ये वोल्केनो यहाँ से निकलता था और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता था, इतने जगह पे डिपॉजिट हो जाता था, और इससे जो सेडिमेंट्स हैं वो घिस घिस के यहाँ पे डिपोजिशन हो गया। नाउ माउंटेन इज लुकिंग लाइक दिस, माउंटेन ऐसा दिख रहा है। तो क्या हुआ, वोल्केनो ऐसे था स्टीप कोन वाला, बट इसके जो सेडिमेंट्स है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, तो वो इस टाइप का बन गया। अब जब इरोशन होगा, जब भी इरोशन होगा जैसे विंड के कारण से या रिवर के कारण से, तो क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन जो वीक है ये रिमूव हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है जो वीक है ये रिमूव हो जाएगा, तो जो बच जाएगा वो है माउंट पोपा, समझे ना, जो बच गया दैट इज माउंट पोपा, या तो वोल्केनिक माउंटेन या रेसिडुअल माउंटेन आल्सो वी कैन से। व्हाई इट इज रेसिडुअल, बिकॉज वो स्ट्रॉन्गर प्लेस था उस एरिया का, ये प्लेस स्ट्रॉन्गर था, दैट्स व्हाई इट हैज नॉट बीन इरोडेड। आप सोचो जो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है, तो जो प्लेस बच जाता है ना, तो वो मतलब समझ लो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है वो वहां का। तो अगर ऐसे रिमूव होने के बाद कोई माउंटेन कैसा दिखेगा, तो वो इट्स लाइक दिस, ये पहले ऐसा रहा होगा, इजंट इट लाइक दिस, ऐसा रहा होगा, बट ये वाला पोर्शन हट गया, ये वाला पोर्शन हट गया, जो वोल्केनो से बना था, आयरन से बना था, वो बचा है, इजंट इट। देन है रेसिडुअल माउंटेन, इसका भी कई, एक ही माउंटेन वोल्केनिक भी हो सकता है, रेसिडुअल भी हो सकता है, रेलिक्ट भी हो सकता है। इफ इट इज वर्टिकल वॉल ऐसा दिखता है ना आपको, तो समझ लो कि ये ना रेलिक्ट है ना, जिसका वर्टिकल वॉल है, आइसोलेटेड टाइप का दिखता है। अब ये वोल्केनो के कारण से भी आइसोलेटेड हो गया, या तो बोल सकते हो कि बाकी जो थे वो सॉफ्ट रॉक थे, ये हार्ड रॉक है ना, ये हार्ड रॉक है, दिस हार्ड रॉक कुड बी बिकॉज ऑफ वोल्केनो। तो अगर ये वोल्केनो के कारण से, तो ये वोल्केनिक माउंटेन भी कहलाएगा, रेसिडुअल भी कहलाएगा, बट इफ दिस हार्ड रॉक इज नेचुरल बाय नेचर, तो ये सॉफ्ट रॉक इरोड हो गया, तो ये रेसिडुअल माउंटेन है। रेसिड्यू मतलब क्या होता है, जो बच गया, है ना, जो बच गया वही रेसिडुअल माउंटेन। जैसे इंडिया में कभी जाओगे ना, मतलब इंडिया में मतलब विंध्या सतपुड़ा में कहीं जाओगे, यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ माउंटेन। आप कभी देखोगे तो विंध्या सतपुड़ा में इस टाइप के माउंटेन्स आपको बहुत दिखते हैं। राजमहल हिल्स, नीलगिरी, पालकोंडा,
इसमें से किसी हिल के बारे में कोई लोकेशन का अंदाज है आप लोगों को, कहाँ पे है करके? नीलगिरी सर, नीलगिरी वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट। ओके okay. राजमहल। राजस्थान के उधर नक्शा। नाम से लग रहा सब राज राज महल वाला सब उधर ही रहता है ना, इसलिए उधर पे होगा। नो, इट इज वेरी नियर टू योर वेस्ट बंगाल। अच्छा इनफैक्ट इट क्रिएट्स वन ऑफ द बाउंड्री विद झारखंड। जो झारखंड का ईस्टर्न बाउंड्री है ना वो राजमहल हिल्स का है ना, और झारखंड का ईस्टर्न बाउंड्री मतलब वेस्ट बंगाल का वेस्टर्न बाउंड्री है ना, सर, ये है। यस सो दैट मींस रेसिडुअल माउंटेन्स ऑलवेज आर आइसोलेटेड, उनका रेंज नहीं यस होता। यस, क्योंकि बच गए बाकी सब, उसके माँ बाप बच्चे सब बिछड़ गए, जो बच गया वो वही है। ओके सर। एंड इट इज मेड अप ऑफ हार्ड मटेरियल, क्यों बोला? क्योंकि सॉफ्ट निकल चुके हैं, तो जो बच गया वो दैट इज हार्ड। पालकोंडा सुना है कभी? पालकोंडा, कोंडा का मीनिंग क्या होता है? कोंडा ये वो देखा ना पुष्पा मूवी, उसमें उसका नाम क्या था, कोंडा राजा, राजा कोंडा क्या तो नाम था ना उसका, जो विलेन रहता है ना उसका, है ना। कोंडा वर्ड बहुत यूज होता है वहां पे, पाल कोंडा, वैली कोंडा। है ना, ये एक्चुअली टॉप पोजीशन बताता है कोंडा। तेलुगु में तो और कुछ अच्छा सा होगा कुछ वर्ड उसके बारे में, मैं जो बता रहा हूँ ये टॉप पोजीशन, किंग कोंडा अगर ऐसा है तो मतलब टॉप पोजीशन, समिट में, पीक में, पिनाकल, इस टाइप का कुछ है इसका कोंडा का मीनिंग, ठीक है ना। तो इसलिए पाल कोंडा, वैली कोंडा ऐसा है। तो ये पाल कोंडा ना ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। पारसनाथ अभी न्यूज में था, पारसनाथ वॉज इन द न्यूज एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। सुना है कहाँ पे पारसनाथ? यस झारखंड में yes. ठीक है, ये है पारसनाथ हिल्स एंड आई विल शो यू समथिंग। देखो ये जैन होली साइट दिख रहा है पारसनाथ, और व्हाई इट वाज इन न्यूज, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है, यू माइट बी नोइंग, जितने भी हमारे पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं उसको वो बहुत ही उसको बड़ा बनाना चाह रही है, भव्य टाइप का, ताकि वो ताकि वो ना पिलग्रिमेज सेंटर तो रहे, एट द सेम टाइम एक रिक्रिएशनल सेंटर टाइप का भी बने, डेवलप हो, सो दैट फॉरेन से कोई भी आते हैं या इंडिया के लोग भी विजिट करते हैं तो दे शुड बी हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस। तो व्हाट वी आर ट्राइंग कि ये सब एरियाज जो हैं, इस जगह को हम लोग ना टूरिज्म के नाम पे डेवलप भी करना चाह रहे हैं, उसको बहुत बड़ा बना के उसको प्रमोट भी करना चाह रहे हैं। तो पारसनाथ जो एरिया है वो जैनिज्म का एक होली सेंटर है ना। क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट ले आया कि इसको वन ऑफ द बिगेस्ट जैनिज्म का पिलग्रिमेज सेंटर बनाएंगे, आसपास में रिक्रिएशन का सेंटर होगा, ये होगा वो होगा, बहुत टाइप का। जैसे यू माइट बी नोइंग कि ये जो पहले ऋषिकेश बहुत पुअर टाइप का एरिया था, अब ऋषिकेश को इतना ब्यूटीफुल बना दिया कि वो लाइक हनीमून प्लेस बन गया है ना। हैव यू हर्ड ऑफ इट? है ना, वो एक जैसे फुकेट वुकेट होता है उस टाइप का बन गया है ऋषिकेश। तो क्या है कि जैनिज्म, जैन को लगा कि ये एक्चुअली उनके रिलीजन या उनके सेंक्टिटी को हर्ट कर सकता है, तो उन लोगों ने वो लोग धरने पे बैठ गए है ना कि, और हंगर हंगर पे बैठ गए कि जब तक आप लोग उसको हटाओगे नहीं उस कैटेगरी से, तब तक
हम लोग वहां से तब तक हम लोग खाना नहीं खाएंगे। और उसके कारण से दो जो उनके मेजर गुरु है थे उनकी डेथ हो गई। ये हार्डली 1 मंथ ओल्ड न्यूज है। तो डेथ हो गई तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इमिडिएटली एक्शन लिया कि नो, पारसनाथ को अभी हम लोग जैसा था वैसे ही छोड़ देंगे, उसको ऐसा कोई पिलग्रिमेज सेंटर नहीं बनाएंगे। तो ये था, ये न्यूज में था। दैट्स वाई यू कैन, यूपीएससी कैन डेफिनेटली आस्क। यूपीएससी उस एरिया के क्वेश्चन को जरूर पूछता है जो कि थोड़ा लेस नोन थे, बट इट इज, इट वॉज इम्पॉर्टेंट, है ना, जो लेस नोन थे जिसको हम लोग नॉर्मली इग्नोर कर देते, बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट। तो पारसनाथ वैसा एरिया है, ठीक है, झारखंड का। अच्छा, यहाँ पे पहुंच ही गए हैं तो राजमहल हिल्स भी दिखा देता हूँ मैं आपको। दिस वन यू कैन सी, देखो राजमहल हिल्स, यहाँ पे मालदा है ना। तो मैं बोल रहा था ना कि राजमहल हिल्स जो है ये वेस्ट बंगाल के बाउंड्री के पास है, ये है राजमहल हिल्स, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हुआ, आपका झारखंड हो गया और यहाँ पे है वेस्ट बंगाल। अरावली तो जान ही रहे हो। तो टाइप्स ऑफ फोल्डिंग, फोल्डिंग के कितने टाइप होते हैं, तो फोल्डिंग के बहुत टाइप हो सकते हैं। फोल्डिंग का जैसे क्या है, कंप्रेशन जब पड़ता है यहाँ से, ऐसे कंप्रेशन पड़ता है तो व्हाट हैपेंस, अगर ज़्यादा कंप्रेशन पड़ा है तो ऐसा हुआ, और कंप्रेशन पड़ा तो ऐसा हो गया, और कंप्रेशन पड़ा तो ओवरफोल्ड हो गया, और कंप्रेशन पड़ा तो रिकम्बेंट हो गया, और कंप्रेशन पड़ा तो नेप बन गया, और कंप्रेशन पड़ेगा क्या क्या होगा, ये ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, isn't it? It will move like this and it will move like this. तो ये depends, depend करता है कि कितना compression पड़ा है। पहले syncline, anticline हो गया, then asymmetric fold, like asymmetric मतलब क्या है, इस साइड पे gentle sloping है, यहाँ पे steep sloping है। Overfold क्या हुआ, यहाँ पे excessive folding हो गया और इसका जो peak है वो थोड़ा नीचे आ गया। और recumbent fold क्या है, ये almost lie down होने वाला fold यहाँ पे ग्राउंड में। और नेप में क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा लाई डाउन हो गया, वही चीज नीचे भी दिख रहा है, बट यहाँ पे एक न्यू चीज दिख रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा चीज दिख रहा है, ये कैसे हुआ तो ये कैसे हुआ, क्या होता है कि जब ज्यादा कंप्रेशन पड़ता है ना तो ये टूट के क्या होता है, ये ऐसा हो जाता है लाइक दिस। हेलो, हाँ बेटू, हूँ यहीं पे अभी हूँ, आधा घंटा। ठीक है ना, आ जाओ, कब तक आ रहे हो? ठीक, तो कैन यू सी दिस, ये क्या हुआ है, ये जो फॉल्ट यहाँ पे जो कंप्रेशन हुआ होगा, नेप जो बना होगा वो टूट के उल्टा हो गया, तो इस टाइप का भी हो सकता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ फोल्डिंग। तो फिर ये वाला पार्ट को हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, है ना। अभी जितना पढ़ाया है ऑलरेडी आप लोगों को स्लाइड्स का ये मिल गया है, मतलब लिंक मिल गया है, आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट है उसको आप चेक कर लीजिएगा, है ना। उसमें एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी का दोनों के स्लाइड्स के ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हैं। किसी के पास अवेलेबल नहीं होता तो प्लीज़ टेल मी, मतलब उनको राकेश या चतुर्वेदी जी को बताइए, तो वो आपको अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन इफ यू आर हैविंग यू कैन आस्क मी।